अंतर्गत पहला सत्र होगा आदरणीय पंडित राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी का, जिनका विषय है शोध की दृष्टि कैसी हो। विख्यात लेखक, पत्रकार, संपादक, समाज सेवी, आपके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और इसके पश्चात आज का दूसरा सत्र होगा प्रोफेसर अलका नागपाल जी का, जिनका विषय है शोध विषय चयन के मुख्य बिंदु। अभी जब सब प्रतिभागी जुड़ रहे थे तो मैं देख पा रही थी कि अलग अलग विश्वविद्यालयों के, अलग अलग डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थी प्रतिभागी के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हैं। और सभी के लिए आज के ये दोनों विषय अत्यंत उपयोगी साबित होने वाले हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अभी स्नातक स्नातकोत्तर के छात्र छात्राएं हैं और जिन्होंने अभी अभी शोध में प्रवेश लिया है। तो अभी बहुत कुछ न कहते हुए मैं निवेदन करूंगी आदरणीय प्रोफेसर संगीता सिंह जी से कि वे आए और हमारे आज के प्रथम वक्ता का स्वागत करें। आदरणीय प्रोफेसर संगीता सिंह जी, जो कि संयोजिका हैं इस व्याख्यान माला। हेलो, सभी गुरुजन को मैं प्रणाम करती हूँ। आज का इतना पावन दिवस है तो मैं आज के इस 10 अगस्त को बताना चाहूंगी कि कितना आज का ये पावन दिवस है। आज ही के दिन 1807 में संगीत के, ये यूं कहूंगी कि नया जीवन देने वाले युग पुरुष आज ही के दिन अवतरित हुए थे, जिनका नाम है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, जो इतना अमूल योगदान हमारे इस संगीत जगत में दे के वो गए हैं। जो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। तो आज का मैं जो ये व्याख्यान माला का दिन है, मैं उनके से चरणों में समर्पित करती हूँ और उनको हृदय से पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मैं आज का जो व्याख्यान माला को प्रारंभ करने जा रही हूँ। तो इस आज तृतीय दिवस पर हमारे सभी विद्वज्जन, गुरुजन, गुणीजन, शोधार्थी और हमारे सारे प्रतिभागी, संकाय के हमारे सभी सदस्य का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। संगीत एवं मंच कला संकाय वाद विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यान माला भारतीय संगीत में शोध के विभिन्न आयाम श्रृंखला में आज के आमंत्रित वक्ता आदरणीय पंडित राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी, आप संगीत पत्रिका के संपादक भी हैं, यही नहीं संगीत जगत के सेवक, संगीत का अनेक रूपों में आप सेवा कर रहे हैं, साथ ही समाज सेवक, विचारक, नाना गुणों से परिपूर्ण, जो अगर मैं बखान करूं तो अभी समय कम हो जाएगा, तो मैं बस इतना कि मैं, मेरे पास शब्द नहीं, मैं हृदय से आपका बहुत ही स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं ये बताना चाहूंगी कि आज का जो आपका जीवन भर की जो तपस्या है, अनुभव है, वो आज हमारे सारे शोधार्थियों को मिलेगा। और मैं अपने शोधार्थियों को यही बोलूंगी कि मैं जब इस धरा पे आई हूँ, मेरा ये काशी कर्म क्षेत्र है, तो मैंने अपने फैकल्टी की मैं बात करती हूँ तो इस फैकल्टी में इतने महान लोग हुए कि जो उनका नाम मैं लेना चाहूंगी, जैसे विदुषी प्रेमलता बहन जी के जितने भी शिष्य हैं वो एक रत्न की तरह है, उन्होंने शोध बहुत अच्छे से किया है। आज भी उनको, उनके सारे शिष्य जब भी कहीं व्याख्यान देते हैं तो सारी दुनिया जगत सुनती है। तो मैं अपने सारे शोधार्थियों से यही कहूंगी कि मूल ग्रंथ पढ़िए और शोध की दृष्टि क्या है, और अपना टाइम नहीं बर्बाद करिए। पहले देखिए 5 साल होता था, 6 साल शोध की
के लिए होता था, दिन पे दिन गवर्नमेंट भी आपका शोध की अवधि भी कम कर रही है, तो समय का सदुपयोग करिए और जिस तरह का शोध, जो शोध होता है, रिसर्च होता है, उसको रिसर्च करिए। उसमें ये नहीं कि हम 10 किताब पढ़ के 11वां कर दें। तो मैं ये निवेदन करूंगी कि आज बहुत ये अमूल व्याख्यान है और आप ध्यान से सुनिए और शोध को बहुत उच्च से उच्चतर तक ले जाइए, मूल ग्रंथों का सहारा लीजिए। मैं यही आप सभी शोधार्थियों से निवेदन करूंगी कि अच्छा शोध करिए, टाइम मत बर्बाद करिए, बहुत अमूल समय है। जीवन भर आप सितार बजाएंगे, गाना गाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, वायलिन बजाएंगे, जीवन भर बजाएंगे, लेकिन जो शोध की अवधि आपका अमूल है, ये 4 साल 5 साल, इसको उसी में जी जोर से लगा दीजिए और एक ऐसा चीज प्रस्तुत करिए जो जगत में, संसार में, संगीत जगत में काम आए। मैं यही कामना के साथ यह व्याख्यान माला आयोजित करी हूँ और माँ सरस्वती हम सब पर कृपा करें। और मैं ये मंच सौंपती हूँ हमारे वक्ता को कि और हमारी अनुराधा को, वो संचालित करें। और धन्यवाद, मैं मंच सौंप रही हूँ। धन्यवाद, हार्दिक आभार आदरणीय प्रोफेसर संगीता सिंह जी। बहुत सुंदर बात आपने कही, समय का सदुपयोग शोधार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है और भी कौन सी चीजें उनके लिए आवश्यक हैं, इसी सोच के साथ ये वे जान पाए इस व्याख्यान माला का आयोजन आपके द्वारा किया गया है। और हमारी परंपरा के अनुसार व्याख्यान प्रारंभ हो इसके पूर्व मैं संगीत एवं मंच कला संकाय के संकाय प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर राजेश शाह जी से भी निवेदन करूंगी, कृपया वे आकर दो शब्द कहें। आदरणीय प्रोफेसर राजेश शाह जी। धन्यवाद अनुराधा। आज शोध विषय के विविध आयाम के जो प्रमुख विषय है उस पर आज तृतीय दिवस हम लोग सुनने जा रहे हैं इस व्याख्यान माला को। जैसा कि सबको पता है कि यूजीसी से लेकर यूनिवर्सिटी और जितने महाविद्यालय हैं जहां शोध विषय या शोध होते हैं, सभी इस विषय में, संगीत खास करके संगीत विषय में, बहुत चिंतित रहते हैं कि किस विषय पर शोध किया जाए। हम लोग बहुत सी कमेटियों में होते हैं, सभी हमारे शिक्षक, हम सभी पशुपेश में रहते हैं कि किस विद्यार्थी को कौन सा शोध विषय दिया जाए, या विद्यार्थी ने जो चयनित किया है शोध विषय वो उसके उपयुक्त है कि नहीं है। ये बहुत सी ऐसी बातें होती हैं शोध विषय को जब हम लोग चयन करते हैं, तो इन सभी बातों पर आज दो हमारे मुख्य वक्ता हैं, पंडित राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी जो हम लोग के सम्मुख हैं और आगे जुड़ने वाली हैं, प्रोफेसर अलका नागपाल जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये आज दोनों ही विषय शोध विषय से, हमारे संगीत पर शोध विषय से संबंधित है। मैं पंडित राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप प्रकाशन से जुड़े हुए हैं, संगीत पत्रिका से आपका जुड़ाव है और आप उसके संपादक हैं, कृपया हम सारे विद्यार्थियों को, संगीत के विद्यार्थी जो हैं, हम सभी विद्यार्थी हैं, उन सभी को ये मार्गदर्शन देने की कृपा करें कि किस प्रकार के शोध विषय अब संगीत में लेने चाहिए। क्योंकि हमने देखा है सभी यूनिवर्सिटियों में कुल मिला करके सभी शोध विषय एक दूसरे के बहुत ही नजदीक होते हैं, उनकी शोध की प्रवृत्ति अलग हो सकती है, प्रविधि अलग हो सकती है, लेकिन ये शोध विषय करीब करीब एक ही विषय के आसपास घूमते रहते हैं। अभी जैसा कि यूजीसी और जो भी हमारे मानक संस्थाएं हैं वो ये कहती हैं कि हमारा शोध विषय कुछ नवीन और कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ नवीन सृजन होना चाहिए। हम पुराने ग्रंथों से जितनी भी चीज ले सकते थे, ले रहे हैं और लेते रहेंगे, लेकिन सभी शोध विषयों में उन्हीं ग्रंथों के आधार पर अपना चिंतन मनन या कुछ संकल्पना ऐसी नहीं दिखाई पड़ती है हमारे छात्र जो शोध कर रहे हैं। माने पूरे शोध में अगर
हम उसको विभाजित करें तो 10-20% के अंतर्गत उनकी मनन चिंतन होता है, वो भी बहुत कम, और 80% हमारे प्रमुख ग्रंथों और जो किताबें लिखी गई हैं उनसे बातें ली गई होती हैं, वो अपने शब्दों में होती हैं, वो बात अलग है। तो हमें अब ये विचार करना है कि किन विषयों पर शोध हो, शोध की दृष्टि क्या हो। संगीत में शोध ये दूसरे विषय जो साइंस हैं, दूसरे सब्जेक्ट हैं, उनके विषय जो चयनित होते हैं उनसे कहीं निम्न स्तर पर ना जाएं, जिससे यूजीसी ये ना कहे कि संगीत में जो शोध होते हैं वो शोध के लायक नहीं है या वो प्रपत्र के लायक है। बहुत से विषय मैंने ऐसे देखे हैं जो किसी एक प्रपत्र के लायक होते हैं, एक पब्लिकेशन माने एक छोटा सा पत्र, प्रपत्र उस पर लिखा जा सकता है, उस पर शोध हो जाता है। अब ये हमारे आज के मुख्य वक्ता हम लोग को बताएंगे दोनों कि कैसे विषय चुना जाए, कौन से विषय अछूते रह गए हैं, और प्रकाशन के समय, खास करके पंडित राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी हमारे प्रकाशन से संबंधित हैं, कैसे विषयों पर हमारे विद्यार्थी या हम लेखन कार्य करें जिससे प्रकाशन का जो क्वालिटी हो, जो गुणवत्ता हो, वो सुधरे। तो इन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे, और हमारे बीच पंडित राजेंद्र कृष्ण उपाध्याय जी हैं जो कि प्रकाशन से संबंधित हैं और संगीत के प्रकाशन से संबंधित हैं। द्वितीय वक्ता हमारी प्रोफेसर अलका नागपाल जी हैं, दोनों का मैं वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय दोनों की तरफ से बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज दोनों ही विषय, दोनों ही हमारे जो समृद्ध ज्ञान हमको मिलेगा वो हमारे विद्यार्थियों के लिए, हम सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं पुनः वाद्य विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी, सह समन्वयक प्रोफेसर के शशि कुमार जी और सभी जो इससे जुड़े हुए हैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे वक्तव्य देने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हार्दिक आभार आदरणीय प्रोफेसर राजेश शाह जी। अब समय है कि मैं हमारे आज के प्रथम वक्ता आदरणीय पंडित राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी से आप सभी का परिचय करवाऊं। यूं तो आपके व्यक्तित्व के, आपके कृतित्व के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही बातें मैं यहाँ पर कह पाऊंगी क्योंकि समय की बड़ी कमी है। आज के दो सत्र हैं जिन्हें एक एक घंटे की अवधि में बांटा गया है, जिसमें से 45 मिनट व्याख्यान का एवं 15 मिनट प्रश्नोत्तर के लिए रखा गया है। विगत लगभग 5 दशकों से काव्य रचना, लेखन व संपादन के रूप में शब्द ब्रह्म एवं संगीत की विविध विधाओं के रूप में नाद ब्रह्म की अहर्निश सेवा में रत ब्रज विभूति डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी, आप राज गायक प्रोफेसर तेजभान मेहता स्वरेश के सर्व प्रमुख शिष्य होने के साथ साथ बनारस घराने के विश्व प्रसिद्ध तबला वादक पद्म भूषण पंडित सामता प्रसाद मिश्र गुदई महाराज जी के भी गंडाबंद शिष्य हैं। रंग कर्म का क्षेत्र भी आपसे अछूता नहीं रहा है। आपने अभिनय की शिक्षा डॉक्टर सत्यरंजन बोस से प्राप्त की। आपके द्वारा लिखित व निर्देशित नाटक डॉक्टर अमर ने पर्याप्त ख्याति अर्जित की। आपने श्री अनिल चौधरी और डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र जैसे प्रख्यात नाट्य निर्देशकों के नाटकों में संगीत देने के साथ साथ अनेक नाटकों के लिए गीत भी लिखे। सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री विश्वंभर दयाल शर्मा, प्रोफेसर पृथ्वी नाथ भार्गव और डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र से चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी की तुलिका ने भी चित्रकला को नए आयाम दिए हैं। इसी श्रृंखला में डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल लोक कल्याण की भावना और पराशक्ति के प्रभाव से दिव्यांग, वृद्ध तथा अनाथ बच्चों की सेवा के साथ साथ मानसिक विक्षिप्त आदि रोग ग्रस्तों की सफल संगीत चिकित्सा भी कर रहे हैं। आपने कुंडलिया छंद में अपनी आत्मकथा रजकनामा भी रची है, जो संभवतया आपका प्रथम प्रयास था। आपकी कई पुस्तकें मुंबई, दिल्ली, मथुरा और वृंदावन से प्रकाशित हो चुकी हैं।
वृंदावन शोध संस्थान वृंदावन द्वारा 2015 में प्रकाशित दुर्लभ पांडुलिपि तानसेन की रागमाला का न केवल आपने संशोधन किया है बल्कि उसके भूमिका लेखक भी आप ही हैं। सन 2016-17 में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अनुदान से वृंदावन शोध संस्थान वृंदावन द्वारा प्रकाशित कृति ब्रज के पर्वोत्सव का भी आपने संपादन किया है। संस्थान से प्रकाशित दो अन्य पुस्तकों की भूमिका भी लिखी है। इसी संस्थान की अन्य पुस्तकों का संपादन भी आप कर रहे हैं। यही नहीं, संस्थान द्वारा प्रकाशित ब्रज संस्कृति विश्वकोश के संपादक मंडल एवं शोध एवं प्रकाशन समिति के भी आप सक्रिय सदस्य हैं। आप संकीर्तन युग, विश्व संकीर्तन परिवार, श्री कृष्ण संदेश सहित कई मासिक पत्रिकाओं एवं श्री स्वामी हरिदास संगीत महोत्सव मथुरा की स्मारिका के संपादक मंडल के सदस्य रहे हैं। वर्तमान में भी आप संगीत की अति प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका संगीत के 3 सदस्यीय संपादक मंडल में वरिष्ठतम हैं। आप इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कुतुब के परामर्शदाता भी हैं। पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया अभिनंदन ग्रंथ आशीर्वाद के तृतीय एवं चतुर्थ खंड के भी आप संपादक हैं। कई वर्षों से अग्रणी कला संगीत संस्थान प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ के उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी हैं। आपको विविध सम्मानों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आपको अब तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब आदि विविध प्रदेशों की नामचीन संस्थाओं से ताम्रपत्र सम्मान सहित ब्रज विभूति, संगीत रत्न, संगीत शिरोमणि, संगीत शिल्पी, सरस्वती प्रतिभा, कवि रत्न, कलाश्री, पद्मश्री, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण दुबे स्मृति सम्मान, यूपी महोत्सव सम्मान, अवंतिका सविता स्मृति सम्मान इत्यादि अनेकानेक मानद सम्मानों से नवाजा जा चुका है। आपके सम्मानों की ही सूची इतनी लंबी है कि मैं पढ़ती रह जाऊंगी तो 15 मिनट ऐसे ही बीत जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपका व्यक्तित्व एवं कृतित्व विशद है, जो आपके व्याख्यान में सुस्पष्ट हो जाएगा। हम अत्यंत आभारी हैं आपके कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाला आज हमारे लिए। तो अब और अधिक न कहते हुए मैं निवेदन करूंगी आदरणीय पंडित राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी से कि आज व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित हैं और आज आपका विषय है शोध की दृष्टि कैसी हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर सर अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो राजेंद्र जी आप अपना माइक अनम्यूट करें वहीं से मोबाइल से जो माइक का साइन दिया है उसको अनम्यूट करें। अब हो गया। हेलो हेलो एक बार ऑडियो जैक निकाल के दोबारा से ट्राई करें। मुझे लग रहा है शायद माइक उन्होंने जो माइक पहना हुआ है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। हेलो सर जो माइक पहने हुए हैं उसको निकाल के दोबारा से लगाइए सर। हाँ
विदाउट माइक बोल के देखें। हेलो हेलो, जा रही सर, आ रही आवाज, अब आ रही है। हाँ ठीक है सर, शुरुआत करिए। सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय जैसी गरिमा से वर्तमान में जाना जाने वाला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मैं उसकी चौखट को नमन करता हूँ। विश्वनाथ की नगरी में बसा यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से वर्तमान में उतनी ही गरिमा प्राप्त है जितनी किसी समय नालंदा विश्वविद्यालय की हुआ करती थी। मैं नमन करता हूं स्वर्गीय विष्णु नारायण भातखंडे जी को, जिनकी आज पावन जयंती है। मैं नमन करता हूं सुनाम धन्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, प्रणव के पुजारी पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी को, आचार्य प्रवर डॉक्टर लालमणि मिश्र जी को, विदुषी बहन जी डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी को, श्रद्धेय पंडित ज्योतिन भट्टाचार्य जी जैसे तमाम जो विद्वान जुड़े हैं वहां से, मैं उन सबके चरणों में अपना सादर नमन समर्पित करता हूं। मैं आज मुझे आमंत्रण देने के लिए विश्वविद्यालय के माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर राकेश भटनागर जी का, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के प्रोफेसर राजेश शाह जी जो डीन हैं हमारे, उनका, इस कार्यक्रम की संयोजक प्रोफेसर संगीता सिंह जी का जो एचओडी हैं इंस्ट्रूमेंटल डिपार्टमेंट की, और प्रोफेसर के शशि कुमार जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझ अकिंचन को उन्होंने इस योग्य समझा कि मैं यहाँ के शोधार्थियों के लिए कुछ अपने अनुभव दे सकूं। मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खराब है और इसी कारण मैं मथुरा में नहीं हूं और इस समय दिल्ली में अपनी बेटी के यहाँ आया हुआ हूं, लेकिन बेटी की सेवा से इस लायक किसी तरीके से हो पाया हूं कि मैं आपके समक्ष बैठा हूं। एक तो बोझ है मेरे ऊपर 40 दिन का जो विश्व संगीत कुंभ हम लोग कर रहे हैं गुरु जी की याद में, उदय महाराज जी की याद में, आज उसका 20वां दिन है, तो बहुत लंबे परिश्रम से बुरी तरीके से थका हुआ हूं। खैर, लेकिन ये मेरा बड़ा सौभाग्य है और भोलेनाथ ने अगर कृपा की तो शायद है कुछ अपने अनुभव ऐसे दे पाऊं कि विद्यार्थियों की दृष्टि कुछ खुल सके। चूंकि मुझे किसी ऐसे विषय पर नहीं बोलना है, वो तो मुझे थोड़ा सा बोलना है, जैसा अभी सर ने कहा था कि कुछ विषय आप हमको दीजिए, निश्चित रूप से दूंगा। लेकिन जैसा डॉक्टर संगीता जी ने मुझसे कहा कि सर आप केवल अपने जीवन से संबंधित अनुभवों को इसमें ला करके बताइए कि आप तो वो कैसे शोध करके यहां तक पहुंचे आप, और कैसे इतनी छोटी सी उम्र में आपने 20 साल की उम्र में ही शोधार्थियों को, हर तरीके के शोधार्थियों को, उनकी समस्याओं का निराकरण करना कैसे शुरू किया, कैसे उनको शोध की एक दिशा दी,
मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। शोध की दृष्टि कैसी हो, या हम कहेंगे कैसी हो शोध की दृष्टि, आज का हमारा ये विषय है। तो आइए पहले मैं अपने विद्यार्थियों से चर्चा करना चाहूंगा इन दो शब्दों के ऊपर, शोध और दृष्टि। शोध का अर्थ है समाधान। जैसे आज COVID-19 के दौर में हम वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, इस महामारी से समाधान ढूंढ रहे हैं अपना के किस तरीके से हम इससे दूर हों और इससे मुक्त हों, वैसे ही शोध का अर्थ है समाधान ढूंढना। सत्य का उद्घाटन करना, उसका अनुशीलन करना, यह शोध का एक अर्थ है। और जो उद्देश्य है उसका वो है अखंड आनंद की प्राप्ति। वह बात अलग है कि कालांतर में शोध के उद्देश्य कुछ ना कुछ बदलते ही चले गए। माना जाता है कि प्राचीन काल में शोध का केवल और केवल एक उद्देश्य होता था, मोक्ष की प्राप्ति। मध्य काल में इसका अर्थ जनमन रंजन से हो गया, और वर्तमान में अगर देखें तो ईमानदारी की बात यह है कि शोध का केवल एक ही उद्देश्य रह गया है। वो एक पे उद्देश्य है कि येन केन प्रकारेण हमें कोई नौकरी मिल जाए और जीविकोपार्जन का एक साधन हमें हमारा बन जाए। बुराई भी नहीं है, क्योंकि ये पापी पेट का सवाल है। हर एक आदमी पहले अपनी क्षुधा शांत करना चाहता है, भूख को मिटाना चाहता है, और जब उसकी भूख शांत हो जाती है, उदर पूर्ति हो जाती है, तब वह इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। जैसे जब एक बच्चे का भरा पेट हो और उसको दिखता हो कि मेरा पिता इतना पैसा कमाता है कि मुझको बहुत अच्छी बाइक दिला सकता है 80,000 रुपए की, तो उसकी डिमांड शुरू हो जाएगी, पापा मुझको तो ये वाली बाइक चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास है। और जब इस तरीके से उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तब फिर उसके सामने उद्देश्य आता है परमानंद की प्राप्ति का। और यही हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय का अंतिम सोपान है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में अंतिम हमारा लक्ष्य होता है उस मोक्ष की प्राप्ति को करना। तो चूंकि शोध की जो दृष्टि है, शोध करने का जो हमारा उद्देश्य है वह बदल गया, उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि शोध की दिशा से शोधार्थी इतर दौड़ने लगा। मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि मैंने विगत 30-35 वर्षों में जितनी मैं संख्या बोल रहा हूं, कम से कम उतने शोध बोल बोल करके लिखाए है। ये पाप मैंने किया है, और उसका कारण था मेरे सामने कुछ ऐसी समस्याओं का निदान करना कि जिसके लिए मुझे बेहिसाब पैसे की जरूरत थी। मैं स्वयं स्वास्थ्य से बहुत पीड़ित हूं, बरसों से, एक लंबे समय से स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार हूं, और इसी वजह से मेरे को स्मृति को बहुत दिक्कत हो रही है, मेरी को अर्थराइटिस है भयानक। बाद में मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब हुई, इसलिए मुझे बहुत पैसे की जरूरत हुई। इनकी किडनी बेकार हो गई, गॉल ब्लैडर भी बेकार हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स, यानी पूरा स्टोन से भरा हुआ। और बाद में मुझे 97 में पता चला कि शायद इतने स्टोन वाली ये पहली महिला है जिसके चेहरे पर इतनी खुशी है, और 98 में डिक्लेयर भी हो गया कि विश्व में उनसे ज्यादा स्टोन किसी के शरीर में कभी नहीं देखे गए, और उसके बाद भी कभी उनको दर्द नहीं होता था।
खैर वो एक अलग प्रकरण है, उसको मैं ध्यान नहीं लेना चाहता। तो शोध के लिए दृष्टि हमारी कैसी होनी चाहिए इस पर विचार करते हैं। देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत सब कोई जानता है। सावन का महीना हो और हरियाली में मस्ती ले रहा हो कोई व्यक्ति, उसको सब कुछ हरा हरा दिखेगा। ऐसी चक्षु विहीन को कभी भी कहीं भी और कैसे भी वातावरण में आप बिठा दीजिए, उस बेचारे के लिए जगत पूरा अंधकार में है, उसको केवल कालिमा ही और कालिमा दिखेगी। तो हमारी दृष्टि जैसी होगी वैसी सृष्टि होगी। अब बात करते हैं कि दृष्टि कैसी हो, सकारात्मक हो। एक गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, आधा खाली है। दो व्यक्ति उसका अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। एक कह रहा है कि गिलास आधा भरा हुआ है और दूसरा कह रहा है आधा खाली है। ये दोनों की दृष्टि का फर्क है। जो कह रहा है भरा हुआ है वो सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है, और जो कह रहा है खाली है वो नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको बहुत सी पूर्व धारणाएं ऐसी भी मिलती हैं कि उनका हम पूरा अर्थ न समझ करके अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर लेते हैं, और जो ज्ञान हम आत्मसात कर सकते हैं, जो विद्या जो कला हम आत्मसात कर सकते हैं जितनी, हम उससे वंचित रह जाते हैं। मैं कुछ उद्धरण ऐसे देता हूं। रहीम दास का एक दोहा है जिसकी पंक्ति है, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। हम लोगों ने इसका कितना गलत अर्थ ले लिया कि आदमी सोचने लगा कि अगर मान ली हम संगीत की बात करें तो वो क्या सोच रहा है, उसके परिवार वाले क्या सोच रहे हैं, उसके गुरु उसको क्या कह रहे हैं कि बेटा केवल एक को साध करके चलो, तुम या तो वोकल का क्षेत्र पकड़ो या इंस्ट्रूमेंटल का पकड़ो या डांस का पकड़ो, उसमें भी कितनी विधाएं उसकी तमाम काइंड्स हैं, सब काइंड्स हैं, कि उनमें से कोई छोटी सी चीज को पकड़ो और उसमें महारत हासिल करो। बुराई नहीं है, लेकिन क्या सबका ज्ञान प्राप्त करना बुरा है? इस कहावत का यह अर्थ नहीं था लिखने वाले का, हम समझने वालों ने उसका अर्थ गलत समझा। ये शोध की दृष्टि है। यही कहावत तरह तरह से लोग कहते हैं, लेकिन एक अंग्रेजी की कविता मैंने स्वयं पढ़ी थी 7th क्लास में, न्यू प्लान इंग्लिश रीडर में, जिसको मैं आपके सामने बोलता हूं, और देखिए कितना सही अर्थ निकाला उसने इसका, कि वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। वट एवर यू डू, डू विद योर माइट, थिंग्स डन बाई हॉर्स आर नेवर डन राइट। अंत में वो कहता है कि वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल इज द बेस्ट ऑफ ऑल रूल्स एज मेनी कैन टेल। वो ये भी कह रहा है कि मैं ही नहीं कह रहा ऐसा, ये बहुतों ने कहा है कि एक समय में आप एक काम कर रहे हैं, यह है चाहिए। एक है साधे सब सधे का मतलब है कि एक समय में आप जिस काम को कर रहे हैं वो पूरी ऊर्जा के साथ करिए, पूरी शक्ति उसमें लगा दीजिए। ऐसा नहीं कि बच्चा खेलने के लिए कह रहा है और माँ उसको बराबर टोक रही है, एक घंटे के लिए भेजा है तो भाई एक घंटे बाद टोकिए, आप उसको एक घंटे पहले नहीं टोकिए। ऐसे ही एक फुटबॉलर का, फुटबॉल प्लेयर का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, विदेशी का, जिसने 1970 में एक कहावत कही थी और हम लोग उसको बहुत अच्छे मान रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बात ठीक है कि हम जितना रियाज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना परफेक्शन उसमें आएगा। लेकिन क्या कभी किसी ने यह देखा कि अगर इस कहावत को हूबहू मान लें तो हम क्या गलतियां कर जाएंगे? देखिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बच्चा है नर्सरी केजी में किसी में पढ़ रहा है,
उसकी माँ अनपढ़ है, उस बेचारी को नहीं पता कि 2 का टेबल क्या है। बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, घर आकर के याद कर रहा है वो 2 1 2 2 2 6 2 1 2 2 2 6। माँ उसकी नहीं समझ रही कि ये बच्चा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, और उसको बराबर कह रही है कि बेटा नहीं, और याद कर, और याद कर, अभी 2-4 दिन की छुट्टी है या कोविड चल रहा है, तो जब स्कूल खुले तो सुनाना। कोविड-19 के जाने के बाद वो स्कूल जाता है, जब वो सुनाता है कविता को, इसको अपने पहाड़े को, अपनी टेबल को, आप मुझे बताइए कि जिसने उसको हजारों बार बोल दिया कि 2 1 2 2 2 6, या ऐसी किसी ने अलंकार याद कर लिया उल्टा सीधा संगीत का, वो मरते दम तक ऐसे ही बोलेगा, क्यों? उसकी जिह्वा पर वो सरस्वती बैठ गई। इतना बार रटने के बाद तो वो उसके मुंह से यही निकलना है, भुला ही नहीं भूल पाएगा वो। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट न कह करके मैं इस कहावत को पूरी करना चाहूंगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यो नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपने हमारा कोई शिष्य अगर सीख रहा है तो हम पहले प्रॉपर वे में उसको समझा तो दें। मैं तो कभी किसी से नहीं कहता, नए विद्यार्थी से, मैं 50 साल में कभी किसी से नहीं कहा कि बेटा घर जाते के साथ ही घंटे, 2 घंटे, आधा घंटे इस पे पिल जाना। मैं तो कहता हूँ नहीं, जितनी देर तुमने यहाँ किया है दूसरे दिन तुमको बेटा उतना थोड़े सी देर करना है, फिर मुझको सुनाओ। जब तक कि वो पूरे तौर से सही नहीं आ जाए तब तक हम उसको ओके नहीं करेंगे, फिर वो जो रियाज करेगा वो उसके लिए लाभकारी। तो इस तरीके से हम, ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास चीज है हम उनको ऐसे कैसे छोड़ दें, हमको इनमें इफ एंड बट भी कहीं ना कहीं देख लेना चाहिए, तभी हमारी शोध की दृष्टि बनेगी। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को ये मान लें कि हमको केवल ज्ञानी से ही ज्ञान मिलेगा और साधारण व्यक्ति से नहीं मिलेगा। मसलन अब संगीत पर आते हैं, एक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि संगीत है क्या, तो विद्वानों ने अपने हिसाब से उसको बोलना शुरू कर दिया। कोई कह देगा गीतम वाद्यम तथा नृत्यम प्रेम संगीतम उच्यते, कोई हिंदी में बोल देगा गायन वादन एवं नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। कोई और साधारण हिंदी में बोल देगा कि गाना बजाना नाचना ये सब संगीत है। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाकर के किसी मानसिक रोगी से पूछे कि क्यों भाई संगीत क्या है, मालूम वो क्या जवाब दे सकता है? वो कहेगा संगीत कोई चीज है, रहरे पे पे है गाली। हमने उसकी रहरे पे पे को समझा नहीं वो क्या बोल गया, लेकिन उसने उत्तर तो हमको दे दिया कि संगीत रहरे पे पे है। रहरे पे पे में अर्थ छिपा हुआ है, ये हमको खोजना है क्या अर्थ छिपा हुआ है। रहरे पे पे का मतलब ध्वनि है, वायु है, जल है, किस कौन सी चीज से है उसका। जब खोज करेंगे तो पता चलेगा कि रहरे पे का मतलब, इसका कहने का मतलब यह है, कहने का आशय यह है कि संगीत एक ध्वनि मात्र है। आपने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि संगीत एक ध्वनि है। अब जब उस मानसिक रोगी के पास पहुंचे, उससे कहा कि भाई संगीत तो एक ध्वनि है, अब उसके दिमाग में एक फितूर सूझा, उसने लेकर के एक मुक्का हमारी पीठ पर मार जड़ दिया। उसने कहा देखो कितनी जोर का भूसा मारा मैंने, ढूं आवाज भी। बात सही है उसकी, आपने ही तो कहा है कि संगीत एक ध्वनि है, दूसरे ने लेकर के ध्वनि दिखा दी आपको। अब आपको फिर सोचना पड़ेगा कि संगीत ध्वनि, ध्वनि में भी इसका मतलब कोई भेद है। भेद सोचे तो पता चला कि नाद और आपकी ध्वनि के भेद है। तो संगीत एक नाद है। जब किसी ने कहा कि नाद तो परम पिता को पाने का साधन है, ईश्वर प्राप्ति का, मोक्ष का साधन है, और वो तो योगी को भी मिलता है, तब हमें उत्तर मिलेगा कि वो दो प्रकार का है, आहत और अनाहत, अनहत। आहत दो वस्तुओं के टकराव से उत्पन्न हो रहा है, यानी देखिए यहीं से एक साधारण विद्यार्थी सोच सकता है। मैं विद्यार्थियों के हिसाब से बोल रहा हूं आज,
कि आपको कैसे अपना चिंतन बनाना है, और हमको संगीत तक पहुंच गए हम कि भाई संगीत ये है, यहां तक आया। अब किसी ने कहा कि संगीत से और किसके अंतर्गत है, क्या है, कहां है, तो कोई कह देगा ये कला है। कला की तमाम परिभाषाएं हम पढ़ेंगे। कला, जब मैं खुद बीए में था तो तमाम कवि हम पढ़ा करते थे इंग्लिश लिटरेचर में, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता थी और उसको अर्थ बताते बताते हमारे टीचर ने कहा, हमारे प्रोफेसर ने एक उक्ति पढ़ी कि आर्ट इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। आप सच मानिए, मैं घर पर आकर के यही सोचता रहा कि ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो क्या चीज है और ये पावरफुल फीलिंग्स क्या चीज है। अब देखिए, इसको इस पर भी शोध बिल्कुल वैसे ही करने लग गया मैं जैसे कि केमिस्ट्री लैब में एलिमेंट डिटेक्शन हम लोग किया करते थे। अब मैंने पावरफुल फीलिंग्स को लिया, एक चाय की पतीली के अंदर पड़े हुए मसाले को पूरे को, हमारे हृदयस्थ जो भाव हैं, तमाम जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमने भोगा है, जो जो कुछ हमारे हृदय में भरा हुआ है, मान के चलिए कि वो चाय का सारा मसाला है जिसमें पानी भी है, दूध भी है, पत्ती भी है, चीनी भी है, अदरक वगैरह, इलायची, जो भी कुछ हमको डालना हो, सब कुछ पड़ा हुआ है। कला का प्रस्फुटन कब होगा? अगर हम उसको गैस पर नहीं रखेंगे तो क्या चाय बन जाएगी? कदापि नहीं, कभी नहीं बनेगी। तो गुरु जो रूपी जब ताप उसको मिलेगा, तो अग्नि क्या है? गुरु है। जब गुरु रूपी उसको ताप मिलेगा तो उसका खदकना शुरू होगा, बॉइल होना शुरू होगा, और जब वो अपने निश्चित बिंदु से ऊपर जब जाएगा कि इतना डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो गया भाई, अब तो ये, तो वो क्या होगा कि बॉइल्ड जो चाय है वो हम लिड कितने भी जोर से लगा दें उस पतीली का, उस कैटली का, वो ऊपर से नीचे गिर जाएगा और चाय बाहर आकर के उफन जाएगी। इसी तरीके से हमारे हृदय भाव हैं, जब उनको कोई गुरु मिलता है, जब हमको एक मार्ग मिल जाता है इसको समझने का, तो बिल्कुल ऐसे ही उसका ओवरफ्लो हो जाता है, ऐसे ही उसका स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो हो जाता है जैसे कि वो चाय बनती है। जब मैंने दूसरे दिन अपने प्रोफेसर साहब को बताया कि ये इस तरीके का मेरे मन में चिंतन आया, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम सोचते क्या हो, दिन भर तुम ऐसी उठपटांग बातें ही सोचते रहते हो। तो चिंतन की दिशा विद्यार्थी की ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने आप में कुछ खोजेगे। अब आती है एक बात के ललित कलाएं तो पांच हैं और उसमें दृश्य जनित हैं तीन, दो श्रव्य जनित हैं, तो हमको तो केवल एक चाहिए, तो हम पांचों का अध्ययन क्यों करें? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में बहुत इन चीजों को सीखा है और इनके पीछे रात दिन मेहनत की है, और आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे को उनका कितना फायदा मिल रहा है। देखिए, ध्वनि और प्रकाश, हमेशा याद रखिए, ध्वनि और प्रकाश से अगर हम दूर हो गए, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा कुछ भी। ये चराचर ब्रह्मांड में जो भी कुछ हम आनंद ले रहे हैं वो ध्वनि और प्रकाश के ही कारण है, और यही वजह है कि सारी कलाओं में ललित कलाएं श्रेष्ठ हैं और ललित कलाओं में भी संगीत कला सर्वश्रेष्ठ है। कारण, क्योंकि उसके लिए न तो हमको कोई दिमाग लगाना पड़ रहा, पड़े पड़े भी हम आनंद ले सकते हैं उसका। आज थेरेपी हो रही है इतनी, मैं ही नहीं कर रहा, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं,
उस हीलिंग से कितना लोगों को फायदा मिल रहा है, खास तौर से ऐसे लोगों को जो डिप्रेशन के शिकार हैं। तो क्यों हो रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि हर आकृति के साथ एक ध्वनि जुड़ी हुई होती है और हर ध्वनि के साथ एक आकृति जुड़ी हुई होती है। ये चिंतन की चीज है कि हर आकृति के साथ एक ध्वनि और ध्वनि के साथ एक आकृति जुड़ी हुई होती है। तो जो आकार को ध्वनि में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो मंत्र है। हमारे जो वेदों में, वेदों की जो ऋचाएं हैं उनका गायन आप देखिए कैसे होता है। परसों स्वामी जी ने ये सब बताया था, वैदिक मंत्रों में ये इस तरीके से जो उनका चलता है और उदात्त अनुदात स्वरित के हिसाब से हाथों को ऊपर नीचे ये सब करते हैं। मैं तो खैर उस विधा को नहीं जानता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इसका अपना महत्व है। तो आकार को ध्वनि में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो मंत्र है। और यंत्र क्या है कि ध्वनि के साथ जुड़ी हुई जो आकृति है वो यंत्र है, और इन दोनों का जो सम्मिलन है, इन दोनों के संयोग से जो हमें प्राप्ति होती है जिस चीज की, वो प्रक्रिया तंत्र है। अगर मान लीजिए, अब मैं इसको समझाऊं कि एक विद्यार्थी संगीत बहुत अच्छा सीख रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके मन में आ रहा है कि मैं चित्रकला भी सीख रहा हूं। अब उसके घर पे रोक दिया गया कि नहीं नहीं सीख रहा है। माता पिता समृद्ध हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है। समृद्ध होते हुए भी अपने बच्चे के भावनाओं को क्रश कर रहे हैं, नहीं सीखने दे रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं मानता और उल्टा सीधा चित्र बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि संगीत का विद्यार्थी है, मन में आता है कि माँ सरस्वती का एक चित्र बना डाल, मन में आता है कि भगवान कृष्ण का एक चित्र बना डालो, लेकिन उसको यह नहीं पता कि बांसुरी कैसे पकड़ी जाएगी या वीणा को कैसे पकड़ा जाएगा, अपने दोनों हाथों का रखाव कैसे होगा, बांसुरी पर ओष्ठ को किस तरीके से हमको रखना है, कैसे फूंक प्रवेश करती है उसमें मुख से हमारे उसके मुखरंध्र पर। तो क्या उसके द्वारा बनाया हुआ चित्र एक बांसुरी वादक को या वीणा का, वीणा वादनी का बनाया हुआ चित्र एक वीणा वादक को पसंद आएगा? नहीं आएगा। आपस में हुआ ना संयोग। हर कला ये एक दूसरे की पूरक है। पुराने हमारे विद्वान तो केवल इतना ही नहीं कि साहित्य की विधाओं में आ गए या संगीत की विधाओं को ही पकड़ लिया या चित्रकला की अन्य अन्य विधाओं को पकड़ लिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज के 20-25 साल पहले एक शोधकर्त्री, मुझे कहना नहीं चाहिए, पीजी कॉलेज की लेक्चरर जो मेरे शोध संस्थान में बैठकर के काम कर रही थी, मैंने उसको कुछ किताबें निकाल करके दी कि तुम्हारे विषय से संबंधित बेटा ये किताब है, इनको थोड़ा देखिए। तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की कुछ किताबें थी टैगोर को लेकर के। उस लड़की ने किसी किताब को देखना तो बहुत दूर, झट से मुझसे ये कह दिया कि सर रविन्द्रनाथ टैगोर का संगीत से क्या लेना देना। आपको सच बताता हूं, मेरे को इतना गुस्सा आया। मैं वैसे गुस्सा नहीं करता कभी भी, लेकिन मेरे को अंदर से इतना क्रोध आया अपने ऊपर कि मैं क्या करूं, मैं इसको क्या कहूं लड़की को। और वो ये और कह रही है, उनको तो कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, वो तो कवि थे। तो आज ये दशा है
तो जो लोग ये कहते हैं कि एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक रविन्द्रनाथ टैगोर का भी उदाहरण है, जो न केवल कवि थे, न केवल साहित्यकार थे, और साहित्यकार में भी न केवल वो नाटक लिखते थे बल्कि तमाम विधाओं को उन्होंने पकड़ा। वो जितने बड़े साहित्यकार थे, जितने बड़े कवि थे, उतने ही बड़े वो चित्रकार थे, उतने ही बड़े वो संगीतज्ञ थे। उनका देश के लिए भी योगदान है, उनका शिक्षा जगत को भी योगदान है। शांति निकेतन जाए आदमी देख ले उन्होंने क्या किया। तो वो व्यक्ति पूछ रहा है पूरी दुनिया में, महात्मा गांधी के बाद यदि कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्टैचूज हैं, जिसके डाक टिकट सबसे ज्यादा पूरे विश्व भर में बने, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगर उनके घर में भी ऐसा बंधन होता कि उनको रोक दिया जाता कि तुम किस किस विधाओं में जाओगे, बल्कि वो ही नहीं उनका पूरा परिवार ऐसा, तो ये क्या है, हमको एक दृष्टि बनानी है। आज हमने अपनी दृष्टि इतनी बच्चों की खराब कर दी है जिसके लिए हम भी दोषी हैं, हम सब दोषी हैं, माता पिता भी दोषी हैं, गुरु भी दोषी हैं बहुत कुछ। जब हमारे अंदर ये सोच भर गई है कि एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी जैसा कहा सर ने और मैडम ने भी बोला था कि मूल ग्रंथों का आप जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, चिंतन मनन नहीं करेंगे, शोध की दिशा कभी भी आपको नहीं मिलेगी। आज शोधार्थी प्रण ले इस बात का, आज हमारे संगीत के एक महान ऋषि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की जन्म जयंती है, इस अवसर पर वो प्रण ले कि सबसे पहले तो लाइब्रेरी से इशू करवाएं या लाइब्रेरी में जाकर के पढ़े अगर इशू नहीं होती है तो, भातखंडे संगीत शास्त्र के चारों खंडों को थोड़ा थोड़ा समझें, पढ़ें उनको, चिंतन मनन करें उनका। अगर प्रैक्टिकल भी करना है तो क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 खंडों को उनका अध्ययन करें। एक व्यक्ति जो इतना बड़ा शास्त्रज्ञ, एक वकालत पढ़ने वाला आदमी, ऐसा नहीं कि वो पेपर लिखे हो, उस जमाने में उन्होंने वकालत की, प्रैक्टिस भी की, कि जब वो कोई भाषण भी देते थे अपना मराठी में तो पुस्तकीय रूप में सामने आ जाता था। बड़ौदा में दिया हुआ उनका लेक्चर पुस्तक के रूप में संगीत कार्यालय ने प्रकाशित किया। तो दिव्य दृष्टि बनाने के लिए हमको अपने बच्चों को संकुचित नहीं बनाना, ब्रॉड माइंडेड बनाना है, उनसे कहना कि हाँ बिल्कुल मुक्त होकर के स्वच्छंद आकाश में विचरण करो, उनको मुक्त छोड़ दो। शोध के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अभी सर बोल भी रहे थे, देखिए हम कितना गलत करते हैं। मुझे ध्यान है कि भारत सरकार में जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री थे वीबी केसकर साहब, उन्होंने आकाशवाणी से एक नया शिगुफा छोड़ा, और जो हमारा मंदिर संगीत है, जो वैष्णव संगीत है, जिसको हम कीर्तन संगीत बोल सकते हैं, संकीर्तन संगीत बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, उसको उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, हवेली संगीत। भाई हवेली संगीत क्यों उस नाम को बोलते हो,
अगर हमारे साथ कभी कोई ऐसा अपराध हो जाए हमारे किसी पूर्वज के साथ कि लोग उन पर आक्रमण कर दें, उनको शारीरिक रूप से चोट पहुंचा रहे हैं, तो क्या हम ये कहना पसंद करेंगे कि ये मेरे वही ताऊजी हैं, ये मेरे वही चाचा हैं जिनको पहले बहुत मारा था 20 साल पहले उन्होंने। आप दुखती रक्त को क्यों छू रहे हैं? अरे हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, क्या हम उस शब्द की जगह संकीर्तन संगीत कहने में शर्म महसूस करेंगे? लेकिन कोई नहीं बोलता, जिसको देखिए वो यही बोलेगा, हवेली संगीत, हवेली संगीत, हवेली संगीत। ऐसे ही कोई चिंतन नहीं करता इस बात पर। ठीक है, घरानों की अपनी उपाधि देता है, लेकिन हमारा भारत जो विश्वगुरु है और फिर बनेगा, बनने वाला है, वो समय आ गया है। हमारे यहां गुरुकुल परंपरा का प्राधान्य रहा है हमेशा से। बच्चे को छोटे बन में ही भेज दिया जाता था और वो गुरु के यहां सब कुछ सीखता था। जैसे वाल्मीकि जी के आश्रम में कुश और लव ने सब कुछ सीखा, धनुर्विद्या भी सीखी, संगीत भी सीखा, सब कुछ सीखा। कहां से सीख लिया? एक ही चीज को पकड़ते ना। ये जो क्षरण हो रहा है हमारे सोच का, महाराज श्री ने भी परसों इसी तरीके की बात कही, हम बढ़ नहीं रहे। ये हमारे मन का भ्रम है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत विशाल था हमारा स्वरूप और हम बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, होते चले जा रहे हैं जैसे आसमान से टूटा हुआ तारा, नीचे आते 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 उसका बहुत ही सूक्ष्म रूप है। तो चिंतन को ब्रॉड बनाना है अपने, हमें ऐसे विषयों पर चिंतन करना होगा। एक बार 1983 में मथुरा के अंदर ब्रज कला केंद्र के द्वारा चर्चा हुई ध्रुपद के ऊपर, ध्रुपद की वाणियों के ऊपर। देश भर के सारे ध्रुपदीय वहां बुलाए गए और चाहे वो गोबरारी वाणी को गाने वाले हों, खंडार वाणी के हों, किसी भी वाणी को, डावरी के हों, 3 दिन तक ये गहन चिंतन मनन चला कि वास्तव में शब्द वाणी है या बानी है या बानी शब्द है, क्या शब्द है आखिर। आज हम देखते हैं कि बराबर हम लोग वाणी शब्द बोलते हैं, ध्रुपद की वाणियां, जबकि उसमें इतना चिंतन हुआ, इतना मनन हुआ और ये निष्कर्ष निकाला गया सारे देश भर के द्रुपदीय इस बात पर एक मत हो गए कि शब्द वाणी नहीं बोलना है हमको, बानी बोलना है। मैंने अपने संपादकीय में 2000 में ये बात भी दी थी ध्रुपद बानी अंक में, मेरी अपनी जो पत्रकार थी ब्रज स्वरांजलि, उसमें कि और उसका निष्कर्ष निकाला कि सब लोग इस पे एक मत है, आज तक कोई नहीं बोलता। हम फला वाणी गाते हैं, हमने सूरदास जी को लेकर के भली है रूस बेकी बाने, राधा कृष्ण के जब चर्चा आती है, रूठने की बात आती है, जब राधिका जी भगवान कहते हैं भली है रूस बेकी बानी, मीन्स स्टाइल, रूठने की अदा। तो अब मैं गुरुकुल वाली बात को लूंगा क्योंकि बार बार भ्रमित हो जाता हूं थोड़ा सा तकलीफ की वजह से, कि हम जो आज घराना शब्द को बहुत महत्ता दे रहे हैं, देइए कोई मना ही नहीं है, लेकिन क्या जब से आकाशवाणी का उदय हुआ और आज तो दूरदर्शन पे आनंद ले रहे हैं सब लोग, अब घरानों की क्या सार्थकता है? जब हर कलाकार किसी एक घराने से बंध करके न गायन कर रहा, न वादन कर रहा, न नृत्य कर रहा,
उनका क्या उचित है? फिर हम घराना शब्द को क्यों इतना सीने से लगाए बैठे? कभी किसी को योग्य नहीं कहा, कोई कहता कि मैं फला गुरु जी का शिष्य हूं, उनका शागिर्द हूं और मेरे वो परंपरा मेरी चली आ रही है। ये परंपराएं चली आ रही है, वो गुरुकुल जो परंपरा है हमारी, उसकी हम घराना से कैसे तुलना कर रहे? बहुत से विद्वानों को मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन ये मेरा निजी चिंतन है, मैं क्षमा याचना के साथ ये बात कह रहा हूं। गुरु शिष्य परंपरा में कभी भी शिष्यों के अंदर भेद नहीं किया गया। गुरु का पुत्र हो अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, वहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी। लेकिन घराना पद्धति जब आई तो भाई ये खासुल खास आ गए, खास आ गए, आम आ गए। ये शिष्यों में वर्गीकरण क्यों हो गया? अगर मेरा कोई अपना कार्य है, मेरा अपना ज्ञान है और मेरे पुत्र के अंदर, मेरी पुत्री के अंदर, मेरी बहू के अंदर, मेरे दामाद के अंदर, मेरे अपने बच्चों के अंदर, पोते पोतियों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि उसको ग्रहण कर सकें, तो क्या मुझे उसको समाज के अन्य लोगों को नहीं बांट देना चाहिए? बड़ी साधारण सी बात है। अगर हमारी जैसा अड़ियलपन डॉक्टर आज अपना ले, जो COVID-19 से ग्रसित लोगों का इलाज कर रहे हैं, क्या परिणाम होगा उसका? तो आज अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों को इस बात की भी जरूरत है कि वो ऐसे विषयों को चुने जो लीक से हट करके भी हों, लकीर के फकीर ना बने। सर सही कह रहे थे ये बात कि गिने चुने विषय हैं, बस उन्हीं को लेकर के इधर उधर किया और हो गया शोध कार्य। एक रिसेंट घटना आपको बताता हूं, इसी दिसंबर की, 7 दिसंबर को, यानी गीता जयंती की पूर्व संध्या पर इंदिरा गांधी कला केंद्र, इंदिरा गांधी कला केंद्र नोएडा में, वहां के ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ कई दिन का। मैं गया, उसका उद्घाटन करने गया था और मेरे को एक विषय दिया था महात्मा गांधी पर बोलने के लिए कि गांधी जी का संगीत प्रेम और संगीतज्ञों का गांधी जी के प्रति प्रेम। तो मैं उसमें जा नहीं रहा था क्योंकि मेरी उस दिन व्यस्तताएं थी, मुझे कहीं और जाना था। लेकिन जब आयोजकों का मेरे पास ये फोन आया कि नहीं सर, उसमें आपको ही बोलना है, कोई वक्ता ही नहीं मिल रहा इसके लिए और 40 लोग आपसे इंटरेक्शन के लिए इसमें बैठेंगे, करीब करीब 36 लोगों के नाम आ चुके थे तब तक, 500 कलाकार थे पूरे विश्व भर के, तमाम कलाकार लोग आए हुए थे, बड़ा लंबा आयोजन चला। मैं उसमें गया और मैंने इसी विषय पर लेक्चर दिया। लोग दंग रह गए और जब मैं लेक्चर देके नीचे उतरा तो पत्रकारों ने मुझे घेर लिया, सर आपने गांधी जी के ऊपर इतना बोल दिया इससे रिलेटेड। और कई पत्रकारों ने तो मेरा जो लिखा हुआ था, एक टाइप किया हुआ 3-4 पन्ने का शोध पत्र जैसा, उसको ले गए वो। उसमें मैंने एक बात, एक जगह गई थी, मेरे बराबर में एक विदुषी भी बैठी हुई थी, साध्वी ठीक बराबर मेरे बैठी हुई थी। बात करते करते मैंने एक जगह कहा कि अपनी संस्कृति से कभी भी नहीं आदमी को हटना चाहिए। हम भारत में रह रहे हैं, भारत के निवासी हैं,
भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन, भारतीय मनन, भारतीय मनीषियों की कही बातें, भारतीय हमारे ग्रंथ, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, उनको समझना चाहिए और फिर कुछ निष्कर्ष निकालने चाहिए। तो मेरे कई ट्रस्ट हैं, जिनमें एक ट्रस्ट है मेरा भारत भवन कल्चरल ट्रस्ट, जो नया ही है, पुराना नहीं, 11 साल पहले मैंने बनाया था अपनी पत्नी की मेमोरी में। उसका जो ध्येय वाक्य है मेरा, वो मैंने बनाया संस्कृति से संपूर्णता की ओर, यानी कि यूनिवर्सलिटी थ्रू कल्चर। अगर हमें विश्व बंधुत्व की भावना लेकर के आनी है, पूरे विश्व को हम अगर एक करने का सपना देख रहे हैं, तो उसका एकमात्र साधन है कि हम अपनी संस्कृति को इतना बढ़ावा दें, इतना विस्तार दें कि हम संपूर्णता की ओर अग्रसर हो सके। वो विदुषी बहन इतनी प्रभावित हुई केवल इस एक वाक्य से मेरे से, जो मेरा अपना निजी चिंतन था, कि जब उन्होंने बोला इंटरेक्शन के टाइम पर, तो उन्होंने इसकी इतनी तारीफ की कि मेरे को एक चिंतन के लिए नया एक वाक्य मिल गया आपसे, और मैं अब जहां जहां भी मेरे प्रवचन होंगे तो मैं इस विषय पर कुछ ना कुछ अवश्य बोलूंगी। और संस्कृति का प्रमुख अंग है हमारा, प्रमुख पार्ट है हमारा संगीत। जो हमारी संस्कृत को भूल गया, जो संगीत को भूल गया, और जो तो हमारी संस्कृति में कुछ नहीं रखा, तो बच्चे उससे न कटे। विषय बहुत हैं। आप आज जो लेक्चर रहेगी, ये आपका तंत्र वादन विभाग की तरफ से है। अब देखिए, मैं तंत्रवाद वाली शोधार्थियों के लिए एक बात कहना चाहूंगा, आप क्यों नहीं ऐसे विषय चुनते जिनसे बहुत कुछ नया सामने आ जाए। अगर आप अकेले मध्यकाल को ही लें, तो मध्यकाल में एक निबंध है इसके ऊपर, श्री चुन्नीलाल शेष जी का, अच्छे उनका अध्ययन था संगीत में, उनका 1956 में एक आर्टिकल छपा था अष्ट छाप के वाद्य यंत्र, जिसको काफी बाद में एक पुस्तक का रूप दे दिया गया, और आज वो पुस्तक दुर्लभ है, पिछले 30-40 साल से मार्केट में नहीं है। इवन जिन्होंने उनको लिखा था चुन्नीलाल शेष जी ने, उनके घर वालों पे भी नहीं है। ये इस देश की विडंबना है, औलादों की तरफ से कितना संकट झेल रहा है आदमी, वो अब नहीं है। आप केवल उस किताब को भी अगर देखेंगे, तो मैं समझता हूं शायद 212 किस्म के वाद्य यंत्रों का उसमें उल्लेख है। एक बच्चे को अगर मान लिए तंत्रवाद्यों को लेकर काम करना है, उस किताब में से तंत्रवाद्यों की एक सूची बनाइए। डॉक्टर लालमणि मिश्र जी की पुस्तक है भारतीय संगीत वाद्य, उसको लीजिए, उसमें से कीजिए। और मेरे से नाम विस्मृत हो रहा है, डॉक्टर जिनकी पुस्तक है इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अभी मैं नाम याद आ जाएगा बता दूंगा, उसमें तमाम तरीके के वाद्य यंत्रों का है, यानी ढेरों किताबें हैं। आप उसमें से क्यों नहीं चुनते, आप ऐसा विषय क्यों नहीं चुनते कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत का जब युद्ध हुआ, तो वहां कौन कौन से वाद्य यंत्र बजे, और अगर वो बजे तो वो वाद्य यंत्र क्या पुनर्जीवित किए जा सकते हैं, मिलेगा मैटर,
ना मिले तो वो शोधार्थी मेरे पास आए, मैं उनको दिशा दूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि कैसे मिलेगा ये। कोई नहीं करता। भगवान राम के ऊपर परसों स्वामी जी ने बताया, किसी को पता है वो कितना दे, कितने अच्छे संगीतज्ञ, उनका उल्लेख है वाल्मीकि रामायण में। तो लेकिन आम जनता तो नहीं जानती ना इस बात को, आम जनता तो ये भी नहीं जानती कि हनुमान जी कितने बड़े संगीतज्ञ थे। इन सब चीजों को आप प्रकाश में क्यों नहीं लाते, क्यों उन गिने चुने विषयों के पीछे पड़े हुए हो? और या तो यह है कि आपको शोध की दिशा नहीं मालूम, आप शोध करना ही नहीं चाहते, आप केवल ये चाहते हैं कि चार किताबें यहां से नहीं, चार किताबें यहां से नहीं, और अपना शोध पूरा हो गया। एक बात ध्यान रखें शोधार्थी, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप किसी अच्छे से, अच्छे पुस्तक से, किसी ग्रंथ से आप कुछ मैटर लेते भी हैं, हमेशा ये याद रखिए कि उसका जो फुट नोट्स से आपने अगर कोई नकल मारी है तो कभी भी आप पछता सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अध्याय तो लिख रहा हो दो और प्रिंट हो गया हो सात, पृष्ठ संख्या लिख रही हो 116 और गलती से टाइप हो गया हो उल्टा 611। आपने लिख दिया देखे पृष्ठ संख्या फना 611, ग्रंथ ही नहीं है, ग्रंथ तो 200 पन्ने का है। तो हम लोग बड़ी जल्दी लिख देते हैं ऋग्वेद से, फला वेद से, सामवेद से, नाट्यशास्त्र से। तो बाबा उसको कम से कम आप, ठीक है इतना वक्त नहीं आज की तारीख में कि आप मूल ग्रंथों को पूरा पूरा पढ़ें, लेकिन जो आप संदर्भ ले रहे हैं कम से कम इतनी तो कष्ट कर लो कि उसको टैली कर लो एक बार। एक बात और, अभी भी एक थीसिस मेरे पास जचने के लिए रखी हुई है, मैं केवल उस थीसिस को लेकर के यहां दिल्ली आ गया हूं क्योंकि वो टाइम से मुझे भेजनी है रिपोर्ट। थीसिस की भाषा, आप आज हम संगीत की जब थीसिस की भाषा देखते हैं ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा पांच दर्जा पास बच्चा लिख लेगा, वो हिंदी है। दुख होता है उस हिंदी को देख करके। आज हमारी स्थिति वो हो गई है कि ना हम हिंदी बोलना जानते हैं ना अंग्रेजी बोलना जानते हैं, बस अंग्रेजी के दीवाने हैं। बात करते करते बस हमको सिवाय एंड के, बट आई मीन और या करते रहने के हम कुछ नहीं करते। अरे भाई हिंदी में बतिया लो, कोई कोटेशन देना हो तो कोट कर दीजिए बस उसको। ये अंग्रेजी के पीछे इतनी दीवानगी क्यों है? किसी बच्चे से कहा जाए कि 63 लिख दे, नहीं लिख पाएगा वो, 13 भी नहीं लिख सकता, कुछ पता ही नहीं उसको। 13 कह दोगे लिख देगा, 63 कह दोगे लिख देगा। जिस देश में आज ये स्थिति हो पढ़ाई की, उस देश का विद्यार्थी अपनी संस्कृति को लेकर के, अपने साहित्य को लेकर के, अपने संगीत को लेकर के, अपनी अन्य कलाओं को लेकर के क्या शोध करेगा? एक बात और कहना चाहूंगा, मान लीजिए आपने अंग्रेजी किताबों को पढ़ लिया, ठीक है मना नहीं है, अंग्रेजी किताब मेरे यहां भी है, हजारों हैं, बहुत भरी पड़ी हैं। अंग्रेजी किताब पढ़ने की मना नहीं है, लेकिन क्या आप किसी संस्कृत ग्रंथ का उस शब्द का वो भावार्थ उसमें ढूंढ लेंगे? आप नाट्यशास्त्र को पढ़ रहे हैं लेकिन अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, अरे भाई आपके बनारस ही छपा है बाबूलाल शुक्ल शास्त्री जी का चौखंबा से, इसको क्यों नहीं पढ़ते? बड़ौदा से 37 अध्याय वाला छपा है, वो बात अलग है कि वो इसलिए अनुपलब्ध है आज कि वो 10-10 साल के अंतर से कम चारों भाग छपे हैं, तो किसी लाइब्रेरी में कोई सा खंड है, किसी में कोई सा खंड है, वहां संपूर्ण है पूरा का पूरा छपा 37 अध्याय, इसमें भी 36 अध्याय, बहुत अच्छा है छपा हुआ बनारस का शास्त्री जी का, उनको पढ़ें आप। डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र जी की लिखी हुई जो नाट्यशास्त्र का अनुवाद है
मेरे गुरु हैं, अभी निधन हुआ है पिछले 3 तारीख 91 साल की आयु में। उन्होंने उसका पारिभाषिक शब्दकोश लिखा है। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जो अर्थ दिए गए हैं, कोशगत अर्थ जो हैं, उनसे वो मूल अर्थ बिल्कुल भिन्न है उन शब्दों के। अगर मुझको श्रृंगार रस कहना है, श्रृंगार शब्द बोलना है, मैं उसकी अंग्रेजी ढूंढूंगा तो उसका मिलेगा मुझको एरोटिक, erotic। आप एरोटिक लिखेंगे उसको, उस श्रृंगार को जिसमें इतनी पवित्रता है हमारे संस्कृति में। जो राधा और कृष्ण की प्रेममयी दिव्य लीला का प्रकाशन भी करता है, लेकिन बाकी संस्कृति नहीं है ना, वो क्या अर्थ करे। एक बार एक साजानोवा, मिस साजानोवा करके आई थी कोई 73-74 में, सूर के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी विदुषियां रशिया की। सूर के पदों का अर्थ करते करते उनको 2 शब्द कहीं ऐसे मिले जिनके कारण वो बहुत परेशान हुए। एक तो ये कि माथे पे जो बिंदी लगा रखी है, मैंने भी लगा रखी है, हमारे यहाँ सुहागिन स्त्री लगाती है, वो उसके सुहाग की बिंदी होती है, माथे में सिर के ऊपर मांग भरती है। भाई अंग्रेजी में इसको क्या कहोगे, रेड लाइन? जो बिंदी माथे पर लगा रखी है उसको क्या कहोगे, डॉट? सच मानिए उसको इतनी तकलीफ हुई और उसने ये स्वीकार किया कि जब वहां की संस्कृति में वो चीजें हैं ही नहीं, हम उनका अर्थ वहां अंग्रेजी की किताब में कैसे ढूंढ लेंगे। ऐसे एक नहीं अनेक शब्द हैं, ढेरों शब्द हैं। आप संगीत की पारिभाषिक शब्दावली को लेकर के रिसर्च कर सकते हैं, ढेरों शब्द हैं। ऐसे शब्द चाहिए मेरे से संपर्क कर लें, मैं आपको एक नहीं सैकड़ों ऐसे शब्द निकाल के दे दूंगा। वो तो इस समय चूंकि बड़ी अनमनी अवस्था में बैठा हुआ हूं, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण, इसलिए मैं बार बार इधर से उधर भटक रहा हूं बोलने में, और कभी कभी आगा पीछा हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको मेरी बात कुछ समझ में आ रही होगी ऐसा मैं विश्वास करता हूं। तो ऐसे विषयों पर आप चिंतन करें, बहुत विषय मिल जाएंगे, वाद्य को लेकर के मिल जाएंगे, गायकियों को लेकर के मिल जाएंगे, घरानों वाली समस्या को लेकर के मिल जाएंगे, आप उन पर चिंतन करिए। नृत्य की तमाम शैलियां हैं, बहुत सारे लोक नृत्य हैं, आदिवासी नृत्य हैं, तमाम ऐसे विषय हैं जो बन सकते हैं। आप नोटेशन वाला काम ले सकते हैं हाथ में, हालांकि अभी जो बहन बता रही थी शोधार्थी, क्या वो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ईजाद कर रही है, कुछ ऐसा कर रही है कि आप गाइए और बस नोटेशन फटाफट बन जाए। जब हमारे गाने के साथ साथ रंग दृश्यमान हो सकते हैं वातावरण में, तो नोटेशन क्यों नहीं हो सकता? ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं बहुत से ऐसे प्रयोग मैंने किए हैं। एक बार मेरे मन में आया कि ये मेरी पत्नी को ऑपरेशन कराने के बाद भी डॉक्टरों ने कह दिया कि इनका जीवन ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि इनकी बॉडी में स्टोन्स बनते हैं, दर्द इसलिए नहीं करते कि वो स्टैगहॉर्न स्टोन्स हैं। तो उन्हीं दिनों में, आज के कोई 20-22 साल पहले, आरजी स्टोन क्लिनिक बना सबसे पहला इंडिया में, बॉम्बे में, मुंबई में, उसके बाद उसकी शाखा दिल्ली में भी आई। मेरे मन में आया कि मैं इसको समझूंगा। तो जैसे पीसीएनएल होता है एक ऑपरेशन जिसको पीसीएनएल बोलते हैं, जिसमें किडनी से स्टोन्स निकाल लिए जाते हैं दूरबीन के माध्यम से, तो मैं इसको समझने के लिए मैंने कई चक्कर काटे, और वो लोग मुझे भगा देते थे, एक गांधी थैला लटका के चला जाता था, वो सोचते थे कोई पागल आदमी ऐसी सब चीज करने आ जाता है। लेकिन मैंने
जब बार बार चक्कर काटे तो वहां काउंटर पर एक लेडी बैठी थी, उसको थोड़ा सा तरस आया, उन्होंने कहा आदमी इतना परेशान होता है, कुछ करना चाह रहा है तो क्यों नहीं दिखलाते। तो उसने मुझे बताया कि सर इसमें ऐसे 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 सब होता है। बस मैंने प्रक्रिया समझ ली कि ध्वनि है, तो जैसे सोनोग्राफी होती है, हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, वो भी तो साउंड की थेरेपी है एक तरीके की, साउंड से हम पता करते हैं कि कहां क्या है। मन में विचार आया बस खाली मेरे कि मेरे को ऐसी कोई साउंड तरह तरह की मुझे रखनी चाहिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, और मैंने दिल्ली की सड़कों पर घूमना शुरू कर दिया। लाल एम्पोरियम एक है, बहुत बड़ा एम्पोरियम है जहाँ करोड़ों रुपए की ऐसी चीजें भरी होंगी। मैंने वहां से मजीरे, घंटे, और मजीरे भी साधारण नहीं, ऐसे ऐसे मजीरे खरीदे जो सैकड़ों सैकड़ों नहीं हजारों हजारों रुपए तक का एक मजीरा। तमाम बौद्ध धर्म बजने वाली घंटियां, उनके मजीरे, वो सब चीजें भी खरीदी, तिब्बतियों के चीजें खरीदी और उनको ला करके अध्ययन किया, लाखों रुपए की चीजें ला करके अध्ययन किया कि ये क्या हो सकता है इसमें। आप विश्वास मानिए कि वो मेरे को यहां से कोई मदद नहीं मिली, ना सरकारी ना हमारे चिकित्सकों की, लेकिन उसका इतना सुखद परिणाम हुआ कि बेकन नाम का एक अंग्रेज जब दिल्ली में आया और उसी एम्पोरियम में आया, तो वो भी एक ट्यूनर लेकर के बार बार सुने और अपने कान पे लगा करके सुन रहा था, जैसे कि फिजिक्स की लैब में हम लोग करते हैं, करते रहे हैं, विद्यार्थी करते हैं, सोनोमीटर पर पेट पर मारा ट्यूनिंग फॉर्क को और देख रहे हैं राइडर लगा करके फ्रीक्वेंसी का, ये सब होते हैं, वाई का मान है, रेजोनेंस पाइप का है, ये सब प्रयोग संगीत से संबंधित है। तो उसने उससे कह दिया कि आपकी तरीके से हमारे यहाँ और आते हैं मथुरा से, इंडियन है और वो भी ऐसी करते हैं, तो उसने कहा कि मुझे उनसे मिलवाओ। तो उसको मेरा कार्ड ढूंढने में नहीं आया, लेकिन मेरा सारा कॉन्सेप्ट उस लड़के ने बता दिया जो इसका मालिक था। आप विश्वास मानिए जब उसने जाकर के ये बात कही अपनी गवर्नमेंट को कि मेरे को स्टोन क्रश करके देखना है केवल मंजीरे वगैरह की टंकोर से, वहां उसके लिए धनराशि अप्रूव हुई उतनी, और चंद दिनों बाद ही उसने ऐसा सफल प्रयोग भी करके दिखा दिया। जब वो दोबारा भी वहां आया उस एम्पोरियम में, उसने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, तो उसने कहा मैं उनके बारे में सिर्फ इतना जानता हूं कि वो मथुरा में रहते हैं, मैं उनका नाम भी ढंग से नहीं याद, मैं तो अंकल अंकल उनको कहता हूं, मुझे कुछ नहीं पता। तो जब मैं वहां गया कई साल के बाद, तब उसने मुझको ये बात बताई, और फिर 2005 में तब पहली बार अमर उजाला ने बहुत अच्छे तरीके से मेरे को पब्लिश किया, बहुत बड़ा स्थान दे करके कि मजीरे की खनक तोड़ेगी पेट की पथरी, ऐसा पॉसिबल है। जब मैंने ये कल्पना की कि दोनों बाहें किसी की कट जाएं और नीचे का हिस्सा कट जाए और मान लीजिए उसमें प्राण बाकी हैं, तो क्या उसको कोई वाद्य यंत्र सिखाया जा सकता है? जिसके पाए ही नहीं है, यहीं से कटे हुए हैं, जिसके पैर भी नहीं है, तो ना तो वो हाथ का इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है ना पैर का। तो 2006 में जब मेरा एक इंटरव्यू बरेली में हो रहा था दैनिक जागरण में, तो पहले दिन का मेरा इंटरव्यू जब हुआ तब तक शायद 180 फोटोग्राफ्स वो मेरे ले चुके थे दैनिक जागरण वाले, और मेरी इतनी इज्जत और आवभगत हो रही थी कि खूब ड्राई फ्रूट्स में बराबर खा रहा था खूब, और कॉफी चल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं ऐसे भी आदमी को सिखा सकता हूँ, उन्होंने कहा कि आप बहुत पक्षधर हैं और तमाम जाते हैं, और यहाँ भी आप आए हैं विकलांगों के स्कूल में, आप जेलों में जाते हैं कैदियों को मोटिवेट करने के लिए, तो आप बताइए कितना विकलांग तक आप सिखा सकते हैं? तो मैंने कहा गाना नहीं, मैं बजाना सिखा दूंगा। और मैंने जब उनको बता उदाहरण दिया कि मैंने एक ऐसी भी लड़की की चिकित्सा की है जो जन्म से गूंगी बहरी थी, और उसको मैंने गायन में परीक्षा दिलवाई। मैंने एक ऐसे भी बाबा रामदेव जी के शिष्य हैं भरतपुर में, व्यापारी हैं लक्ष्मण जी के मंदिर के सामने अग्रवाल जी, उनको केवल फोन पर ही मैंने चिकित्सा बता दी, शंख चिकित्सा से उनको सही हो गया उनका, लेकिन उसका चिकित्सा का एक तरीका होता है कि कैसे की जाए वो चिकित्सा। तो उन्होंने मेरी मजाक बनाई और उससे कहा कि सर आज का इंटरव्यू बस बहुत देर हो गई, अब कल हम आपको होटल से लेके आएंगे। दूसरे दिन जब वो मुझे लेकर के गए तो उनकी भावना ये थी कि आज तो ये पिटेगा, आपको सच बता रहा हूं, जैसे कोई किसी की खिल्ली उड़ाता है इस तरीके से वो सज्जन मुझे लेकर के गए।
उन्होंने कहा कि सर यहाँ तो हमने तमाम संगीतज्ञों से पूछा, ये दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ कह रहे हैं, हमने तमाम संगीतज्ञों से पूछा, लोगों ने तो साहब बहुत ही अंतशंट बातें कही हैं आपके बारे में। मैंने कहा उन्होंने यही तो कहा होगा कि बरेली में आया है, सही जगह पे आया है, इसको पागलखाने में भर्ती कर दो, तो मुस्करा गए। मैंने उनसे कहा ऐसा करिए आप एक माउथ ऑर्गन ले आइए। तो चूंकि विविध प्रकार के वाद्य यंत्र मैंने बजाए हैं अपनी लाइफ में और 250-250 प्रकार के तो एक साथ बजा करके दिखाए हैं 20 दिन तक 12-12 घंटे संगीत साधना प्रदर्शनी के नाम से 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 84 तक, फिर बाद में भी और बजाए संस्कृति विभाग की तरफ से। तो मैंने उनको जैसे ही कहा कि आप पकड़ लीजिए खाली, मैं अपना मुंह हिला हिला करके अभी उस पर बजा के दिखाता हूँ आपको माउथ ऑर्गन। उन्होंने उसी समय मेरे से कह दिया सर क्षमा करिएगा लोगों का ये। तो आप एक दिव्य दृष्टि अपने अंदर पैदा कीजिए। ये लेक्चर वस्तुतः मेरा कोई ऐसा नहीं है जो मैं मुझको बताना चाहिए, लेकिन संगीता जी ने मुझसे आग्रह किया कि हम आपके जीवन में ही आपने जो जो कुछ किया है उसमें से कुछ उदाहरण हमें दीजिए और हमारे विद्यार्थियों को उपकृत कीजिए तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैं चला भी आया ऐसे ही, अगर मुझको किसी और विषय में बोलना होता तो संदर्भ के लिए कुछ 2-4 किताबें भी रखता अपने पास। समय कितना हो गया क्या? नहीं अभी बोलने के लिए समय है या नहीं? 1 घंटा हो गया। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे बोलना चाहिए ना आपको, मैंने समय बहुत ले लिया। ये यही एक दिक्कत है वेबिनार में, मुझको इशारा कर देते आप। अब मैं आमंत्रित करता हूँ यदि किसी को कुछ शंका समाधान करना हो तो। हार्दिक आभार आदरणीय पंडित जी, आपने इतने विस्तृत क्षेत्रों को अपने इस व्याख्यान में समेटा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे प्रतिभागी सारे विद्यार्थी इससे अत्यंत लाभान्वित हुए होंगे और नई दिशाएं संगीत के क्षेत्र में क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या किया जा सकता है आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, कैसे शोध लिखा जाए, कैसे विषय चयन करना चाहिए और संगीत चिकित्सा को लेके जो आपने इतने उत्कृष्ट प्रयोग किए हैं उनको जानना हमारे लिए अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक था। आपको बहुत बहुत आभार आपके सम्मान में। बहुत बहुत आभार आपका भी, आपने मुझे नाचीज को मुझे अकिंचन को आमंत्रित किया और मुझे इतना मान दिया, क्योंकि मेरी नजर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है कि जिसकी चौखट पर जाने जाकर के नमन करने का मन करता है, वहां की रज मस्तक से लगाने का मन करता है। और क्या कहें उस जगह के बारे में, मैं तो चाहता हूं कि वो नालंदा विश्वविद्यालय जैसी ख्याति को प्राप्त करे। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, आपने मुझे इतना समय दिया और दूसरी वक्ता का मैंने समय कुछ अधिक ले लिया। अगर कुछ पूछना हो तो मुझसे कोई पूछे जी, अगर एक आध प्रश्न हम इस समय ले पाएंगे उसके पूर्व मेरा निवेदन रहेगा कि हमारी जो इस व्याख्यान माला की संयोजिका है प्रोफेसर संगीता सिंह जी, वे आए जुड़े और आपके सम्मान में सम्मान पत्रक पढ़े। प्रोफेसर संगीता सिंह जी, हेलो हेलो जी जी मैम, गुरु जी बहुत ही सारगर्भित ज्ञान आपसे हम लोगों को मिला और किस तरह हमें चिंतन मनन करना चाहिए, और मैं आगे भविष्य में भी आपका इतना प्रेम देख के मैं अपने अपने संकाय प्रमुख और आने वाले भविष्य में हमारे जो विभागाध्यक्ष बनेंगे तो मैं उनसे ही अभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आपका एक बार पुनः फिर से आपका यहाँ आगमन हो और आपका व्याख्यान हो, हम लोग विद्यार्थी को संबोधित करूंगा। बहुत अभी प्यास बाकी है लेकिन समय की कमी होने के कारण इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो अभी आधा घंटा ही हुआ है, वो तो बेटी ने मेरी ने इशारा किया है। तो मैं अपनी वाद्य विभाग की ओर से आपके लिए मैं सम्मान पत्र वाचन करती हूँ, आप इसे स्वीकार करें। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय BHU द्वारा 8 अगस्त से 14 अगस्त 2020 तक आयोजित संगीत में शोध के विभिन्न आयाम व्याख्यान माला में 10 अगस्त 2020 को पंडित
राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल ने अपने उत्कृष्ट ज्ञान व वक्तव्य से संगीत जिज्ञासुओं को अभिशिक्षित किया। वाद्य विभाग आपके इस अमूल योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है व आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपको गुरु जी मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और आपका पुनः आगमन हो मैं ऐसी ईश्वर से बाबा विश्वनाथ से कामना करती हूँ और आप स्वस्थ रहे, आपको प्रणाम। और दूसरा हमारा सत्र शुरू होने वाला है, थोड़ा सा पर मैं हिम्मत नहीं थी बिल्कुल। दूसरा सत्र शुरू होने वाला है, मैं चाहूंगी कि विद्यार्थी जरूर बने रहें और नेक्स्ट सत्र भी आपका बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो मैं जल्दी से समय नहीं बर्बाद करूंगी और पुनः मंच जो अपनी अनुराधा को देती हूँ तो ताकि वो संचालित करें। धन्यवाद गुरु जी आपको। जी हार्दिक आभार मैम। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, बस एक प्रश्न मैं उसमें से चुनूंगी पूछने के लिए। विनोद जी का प्रश्न है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से है, कि आप संगीत पत्रिका का संपादन कब से कर रहे हैं? देखिए संपादन तो मैंने अभी बोझ लिया है अपने ऊपर 3-4 साल से, बाकी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी गर्ग मेरे अनन्य मित्र हैं तो मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े भाई तुल्य हैं, लेकिन उनका इतना प्रेम है मेरे से, पिछले 32 वर्षों से तो रात दिन हम लोगों का संपर्क है और इतना विशेष संपर्क है कि एक बार आपके यहाँ से ज्योतिन भट्टाचार्य जी ने अपने शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले उनकी कोई शोधार्थी छात्रा थी उसका शोध का कार्य अधूरा रह गया था, तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण जी से मेरा फोन नंबर लिया और फिर मेरे को रात को 10:30-11 बजे फोन किया के, तो मैं दंग रह गया कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि ज्योतिन दादा जैसे एक विद्वान व्यक्ति को मेरे पास फोन आएगा। मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि बस मेरे ऊपर इतना उपकार कर दीजिएगा कि ये बच्ची जब आपके पास आए तो आप इसका शोध कार्य पूरा करा दें, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। मैंने कहा आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला था? उन्होंने कहा कि बिल्कुल अभी मैंने लिया है लक्ष्मी नारायण जी से। बस उन्होंने फोन रखा कि लक्ष्मी नारायण गर्ग जी का फोन आ गया। मैं उनके साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हूँ, संपादन में नाम जरूर अब मेरा चल रहा है, लेकिन हमेशा उनको जब भी उन्होंने कोई पूछी है मुझसे बात की है सहयोग बराबर उनको मैं कर रहा हूँ और तमाम पुस्तकों के लेखन में भी जब कभी उनको कोई कुछ होती है जरूरत, हम लोग आपस में बिल्कुल इतने अंतरंगता है हमारी कि अब तो हम लोग रहेंगे भी एक ही साथ वृंदावन में, अभी फ्लैट हमारे मिले नहीं है, मेरे से तो हम दोनों साथ साथ रहेंगे, तो इतनी अंतरंगता है हमारी। और हमने कुछ अभी उन्होंने वो किया था बैंड विशेषांक निकाला था 2017 में, तो मैं हाथ में कंपन होने के कारण कभी भी हाथ से नहीं लिखता हूँ और जो लिखता हूँ तो अपना लिखा पहचान नहीं पाता, तो मैं अब मोबाइल जब से आए हैं तो मैं टाइपिंग मोबाइल पर करता हूँ, बहुत अच्छी करता हूँ, तो उसमें जितने लेख हैं आधे से ज्यादा लेख मेरे हैं और वो हिंदी के हों इंग्लिश के हों कोई भी आर्टिकल्स हैं वो ज्यादातर मैंने लिखे, लेकिन कहीं मेरा नाम नहीं है क्योंकि मैं कभी लेख पे अपना नाम नहीं लिखता था, वो अब लिखना मैंने शुरू किया है। तो ऐसे कई विशेषांक निकाल चुका हूँ, देवी गीत विशेषांक निकाला है, कई विशेषांक निकाले हैं, तो मैं 2017 से देख रहा हूँ इसको पत्रकार को। और कोई प्रश्न? जी प्रश्न तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी उत्कंठा है विद्यार्थियों की, लेकिन समय की थोड़ी सी अभी बाध्यता है, हम चाहेंगे कि हम आगे एक प्रश्नोत्तर करके एक सत्र हम कर पाए आगे, बहुत समय तक अभी स्थिति ऐसे ही रहने वाली है, कितनी खराब नहीं रहेगी तब तक मुझे भी मालूम है। जी जरूर जरूर, और एक प्रश्नोत्तर एक सत्र हो जिसमें विद्यार्थी प्रश्न पूछे और आप उनका उत्तर दे सकें, क्योंकि इतना विस्तृत आपका क्षेत्र है कि विद्यार्थियों की जिज्ञासा बहुत ज्यादा है, तो आपको सादर प्रणाम करती हूँ एक बार फिर से और निवेदन करूंगी। बहुत शुभकामनाएं उन सभी विद्यार्थियों के लिए, वो ऐसे शोध करें कि शोध की दुनिया में BHU का अपना नाम हो और एक ख्याति बन करके आगे BHU के स्टूडेंट्स ने जो शोध किए हैं वो दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसा मेरी शुभकामना उनके साथ है। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मेरा निवेदन रहेगा वाद्य विभाग से आदरणीय प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी से कि वे आए और आदरणीय पंडित राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी को धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद।
नमस्कार नमस्कार हम लोग बहुत आनंदित हैं। आज मैं पहली बार डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी को सुना हूं और उन्होंने शुरुआत की थी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस तरह से अपने व्याख्यान को शुरुआत की और उसमें उन्होंने जो जितने शोधार्थी हों उनको जो सकारात्मक सोचने की और जो उन्होंने प्रेरणा दी और उन्होंने जो बहुत सी बातें हैं जो हमारे शोध के विषय में और हमारे जीवन के संबंध में जितनी भी कहावतें चलती हैं उसको किस ढंग से सोचना किस ढंग से लेना, तो उनका जो अपना चिंतन का जो दृष्टिकोण है कि वो उस चीज को कैसे लेते हैं, जैसे उन्होंने एक सादे सब सदे की बात की और उन्होंने बहुत सी गुरु को अग्नि और ललित कला में संगीत का क्या स्थान है, ललित कलाओं को बाकी ललित कलाओं को क्यों समझना चाहिए, चिंतन की दिशा क्या होनी चाहिए, ध्वनि आकृति की उन्होंने बात की, मंत्र यंत्र तंत्र की उन्होंने बात की, मूल ग्रंथों का महत्व क्यों होना चाहिए और क्यों आखिर उसके ऊपर चिंतन होना चाहिए, उसके ऊपर दृष्टिपात होना चाहिए, क्यों हमको फुटनोट दूसरे के फुटनोट देख के ही उसको कॉपी नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को बहुत गहराई से उन्होंने बताया। उन्होंने घराना के ऊपर भी काफी अपने विचार रखे कि खासम खास और आम इस तरह का वर्गीकरण क्यों, और बहुत सारी चर्चाएं उन्होंने की। उन्होंने भाषा को लेकर भी चर्चा की और उन्होंने कई क्षेत्र भी बताए जैसे नोटेशन, घराना, ग्रंथ, मध्यकालीन ग्रंथों को लेके उनमें वाद्य संगीत के विद्यार्थी किस तरह से उसमें से विषय चुन सकते हैं। उन्होंने अपने चिकित्सा संबंधी जो प्रयोग किए हैं उसके बारे में भी उन्होंने हम लोगों के साथ उनके अनुभव साझा किए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र हुआ सभी शोधार्थियों के लिए और उनको मोटिवेशन करने के लिए भी और वो कुछ सावधानियां रखने के लिए भी कि आखिर क्यों हमको शोध करना चाहिए, शोध सिर्फ पीएचडी करने के लिए ही करना चाहिए कि हमको डिग्री मिले या हम उसका आनंद ले सके, और शोध का विषय शोध हमारे जीवन का एक ऐसा उसका एक हमारे जीवन में मेरी आवाज नहीं आ रही क्या मुझे लगता है आ रही है ना जी आ रही है कुछ हम अपने जीवन में जब हर क्षण जब हम शोध की दिशा में चलते हैं तो हमारा जीवन एक तरह से शोधमय ही है देखा जाए तो। हम हर क्षण हर पल शोध करते हैं। हम हमारे खाने से हमको क्या फायदा हो रहा है, हमको किस चीज से नुकसान हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य क्यों खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं हम शोध से जुड़े ही हुए हैं, तो क्यों ना हम हमारे जब वास्तविक शोध का विषय हम जब चयन करें तो उसमें हम किस तरह से उसके साथ हमारा लगाव बनाए रखें और आखिर उसको विषय को कैसे चयन करें ताकि हम विषय के साथ जुड़े रहें और सार्थक शोध कर सकें। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल कृष्ण अग्रवाल जी का, और हम आगे भी उनका इस तरह से काफी उनके विद्वत्ता का हम लाभ लेने की प्रयास करते रहेंगे, और अस्वस्थता के बाद भी उन्होंने इतनी समय हमारे लिए निकाला और आज वो मैं भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थता प्रदान करें, और मैं उनको बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से आप स्वस्थ रहें और आप इसी तरह से अपना लेखनी का कार्य शोध का कार्य जारी रखें ताकि सभी संगीत के जिज्ञासुओं को शोधार्थियों को उसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी, आपने बहुत कम शब्दों में पंडित जी के व्याख्यान का पूरा सारांश हमारे सामने रख दिया, और इसी के साथ ये प्रथम सत्र आज के दिन का समाप्त होता है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, और अब हम चलते हैं अपने अगले सत्र की ओर जिसमें हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर अलका नागपाल जी।
जिनका आज का विषय है शोध विषय चयन के मुख्य बिंदु। प्रोफेसर अलका नागपाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो जी, जी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी जी मैडम आपकी आवाज आ रही है, बहुत बहुत स्वागत है आपका और विभाग की ओर से आपके औपचारिक स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी इस व्याख्यान माला की संयोजिका से आदरणीय प्रोफेसर संगीता सिंह जी से कि वे आए। मैडम मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आज बहुत हर्ष की बात है कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज हमारे शोधार्थियों के लिए जो आपका ज्ञान है और इतना अनुभव है उसकी ज्ञान गंगा रहेगी। मैं आपको आज समय बहुत ज्यादा हो गया लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपना जरूर संपूर्ण जो भी हृदय का आपका जो प्रेम है अनुभव है हम लोगों के प्रति हमारे विद्यार्थियों के प्रति आप एकदम अच्छे से करिए मैडम, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सादर बहुत बहुत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ये आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है, आपको मैं प्रणाम करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपने अपने संगीत इस जगत में बहुत कुछ दिया, आपके अनेक किताबें हैं। अभी हमारी जो अनुराधा जी हैं अभी परिचय में बहुत सारी चीजें अभी हमारे शोधार्थियों को पता चलेगा आपके बारे में, तो मैं हृदय से आप मैम का मैं स्वागत करती हूँ अलका नागपाल मैडम का कि आप हमारे जितने विद्यार्थी हों उनको ज्ञान से अभिसिंचित करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अनुराधा को इस मंच को सौंप रही हूँ कि वो संचालित करें। धन्यवाद, हार्दिक आभार मैम। मैं एक बार दोबारा ज्वाइन करना चाहूंगी क्योंकि मुझे अपना ही उसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो शायद कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आई है। मैं दोबारा से आपको ज्वाइन करती हूँ। मैम आपकी एकदम आवाज आ रही है, सही आ रही है। कुछ क्षणों का अंतराल जब तक हमारी अगली वक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। हेलो जी मैम। हाई आपको आवाज? जी जी मैम आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है और मतलब मेरी पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही है वीडियो? एकदम अच्छा, मुझे नहीं दिखाई दे रही अपनी, आज थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए मैंने दोबारा से कनेक्ट किया था अपने को। नहीं आपका चित्र और आवाज दोनों बहुत साफ आ रही है। चलिए फिर आपको सुनाई देना चाहिए। हाँ जी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत कर रही हूँ और अपने प्रतिभागियों को आपसे बहुत अच्छे से परिचित करवाना चाहूंगी, मेरा कार्य है ये। आफ्टर डूइंग मास्टर्स इन म्यूजिक फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी विथ गोल्ड मेडल प्रोफेसर अलका नागपाल हैज अक्वायर्ड अ डिग्री इन डॉक्टरेट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। Presently, she is imparting knowledge of music as a professor in the Faculty of Music and Fine Arts, Delhi University. She has achieved a distinctive mark and place in the music world with her performance at the numerous prestigious music concerts. She has contributed a lot to the music world with her books and monographs, and I would like to name all of them. भारतीय संगीत के प्रमुख तंत्री वाद्य सितार एवं सरोद, कॉम्पोजिशंस इन रागस ऑफ सिमिलर नोट्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, उस्ताद मुश्ताक अली खान व्यक्तित्व एवं कृतित्व, सितार एंड इट्स कॉम्पोजिशंस सीरीज 1 एंड सीरीज 2, इंडियन म्यूजिक ट्रेंड्स एंड ट्रेडिशंस, भारतीय संगीत में शोध प्रबंध। इसके अलावा आपके कई प्रतिष्ठित जर्नल्स में, पत्र पत्रिकाओं में भी आपके लेख प्रकाशित हुए हैं और जो भी इस समय शोध कर रहे हैं वे सभी
प्रोफेसर अलका नागपाल जी के नाम से भली भांति परिचित हैं। आपकी पुस्तकें सभी शोधार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को हमेशा सहयोग करती हैं। इसके अलावा प्रोफेसर अलका नागपाल इज मेंबर ऑफ वेरियस बॉडीज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। आपके कुछ लेखों के नाम भी मैं जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगी आप सभी को, जो कि प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में है। शोध कार्य में रूपरेखा की भूमिका सांगीतिका जर्नल में, अनुसंधान में विषय चयन की प्रक्रिया वागीश्वरी जर्नल, भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग लो भारतीय संगीत के अंतः विषयक दृष्टिकोण इसमें, भारतीय संगीत में अलंकार MDU रिसर्च जर्नल, मूर्छना एक अवलोकन वागीश्वरी जर्नल, सितार एवं सरोद एक विश्लेषण वागीश्वरी जर्नल, कॉन्सेप्ट ऑफ राग इन इंडियन म्यूजिक आर्ट लैंड जर्नल, मध्यकालीन भारत एवं भारतीय संगीत वागीश्वरी जर्नल। और ये आपके कुछ विशेष लेख हैं जिनका यहाँ पर मुझे उचित लगा नाम बताना आप सभी प्रतिभागियों की जानकारी के लिए, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा आप एक प्रतिष्ठित वादिका भी हैं, सितार वादिका, और अग्रवाल सिस्टर्स के नाम से सरोद सितार की जुगलबंदी की आप प्रस्तुति देती हैं। इसके बारे में मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि इन एडिशन टू द अदर अकॉम्प्लिशमेंट्स, द अग्रवाल सिस्टर्स हैव आल्सो बीन रैंक्ड एज अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट बाय द नेशनल टेलीविजन एंड रेडियो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द अग्रवाल सिस्टर्स आर सस्टेनिंग एंड अपहोल्डिंग द ट्रेडिशन ऑफ प्योर म्यूजिक, being the only female sisters performing duet on sitar and sarod, they get commendable applause from the listeners wherever they perform throughout the country in prestigious programs. Their elegant style and intricate techniques can be appreciated in all their performances. Performance art, the result might force some to rethink what musical performance is really about. As a classical musicians, it is surprising to find that there is such a wide gap between what we believe matters in the evaluation of music performance and what is actually being used to judge performances. But accepting body language as part of a musical performance could also be seen as entirely reasonable because it adds more to the quality of the experience than just the sounds. This is the thinking behind Agarwal sisters' performances. एक बार पुनः प्रोफेसर अलका नागपाल जी का सादर स्वागत करते हुए अब उनको मैं आमंत्रित कर रही हूँ आज के उनके व्याख्यान के लिए, और उनका विषय है शोध विषय चयन के मुख्य बिंदु, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रोफेसर अलका नागपाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स BHU के डीन तथा बाकी सभी सदस्यों को, खास करके संगीता जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी इस लेक्चर की सीरीज में मुझे आमंत्रित किया अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो उसके लिए मैं आपकी यूनिवर्सिटी, आपके डिपार्टमेंट के लिए बहुत आभारी हूँ। जैसा कि आपने बोला, मेरा विषय है शोध चयन के मुख्य बिंदु। आपको आवाज मेरी आ पा रही है ना? शायद जी, एकदम स्पष्ट है आवाज जी। मैं थोड़ा बस यही कंफर्म कर रही हूँ, थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए मुझे बार बार कंफर्म करना पड़ रहा है। तो ये विषय वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जो स्टूडेंट स्टडी करने के बाद सबसे पहले एंटर करता है रिसर्च करने के लिए, तो उसका पहला जो स्टेप होता है, जो पहला चरण होता है, वो आपका शोध के लिए एक विषय का चयन भी उसका जो है पहला स्टेप होता है। तो जैसे मेरी संगीता जी से बात हुई थी, तो ये था कि रिसर्च स्कॉलर्स के हिसाब से ही यदि मैं कुछ उसमें बोलूं, ताकि बच्चों को आगे एक राह मिले, जिससे कि वो अपना जब टॉपिक सेलेक्ट करें तो वो किन बातों पे ध्यान देते हुए अपने टॉपिक का सिलेक्शन करें। तो उसी हिसाब से मैंने अपना ये जो भी शोध पत्र है, जो भी, उसी हिसाब से बच्चों के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से तैयार किया है। तो सबसे पहले शोध क्या है? शोध का शाब्दिक अर्थ में बहुत छोटे से मैं बताऊंगी, क्योंकि सब इतने दिन से चर्चा चल रही है, सारी बात इसके बारे में कही जा चुकी होगी। शोध का अर्थ है शुद्ध करना, उसको परिष्कृत करके
प्रेजेंट करना, यानी कि जो आपके पास पूर्व में जो आपके पास तथ्य आपको प्राप्त हैं, उन तथ्यों पे आगे बढ़कर उसको एक एनालिटिकली जो है प्रेजेंट करना अपने व्यूज के साथ, वो आपका शोध कार्य है, शोध कार्य या अनुसंधान। उसको इंग्लिश में भी जो हम कहते हैं रिसर्च, रिसर्च का भी मतलब वही है रिसर्च। उसमें री शब्द इसीलिए जुड़ा हुआ है, री जहां भी आता है यानी पुनः की वहां हमें प्राप्ति होती है, रिसर्च भी है पुनः पुनः खोजना। क्योंकि एक नई चीज बिल्कुल आप करते हैं तो वो आपका आविष्कार हो गया, रिसर्च जब आप शोध करते हैं तो वो आपका एक रिसर्च है कि आप उसको जो है खोज के जो तथ्य कहीं लुप्त हो चुके हैं या जो तथ्य हमें प्राप्त हैं लेकिन इतने प्रामाणिक नहीं हैं, उनको प्रामाणिकता प्राप्त कराते हुए उनको वही जो मैं कह रही हूँ परिष्कृत करके उसको जो है आगे लाना, आगे आने वाले शोधार्थियों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करना, ये एक शोधार्थी का काम होता है। शोध कार्य आपका दो प्रकार का होता है, जिसकी दो आप पद्धति समझ सकते हैं या प्रकार समझ सकते हैं। एक आपका होता है फॉर डिग्री और एक आपका होता है नॉन डिग्री। फॉर डिग्री जो स्टूडेंट्स जैसे स्टडीज एमए की डिग्री लेते हैं, बैचलर की डिग्री लेते हैं, वो आगे अपनी डिग्रीज को प्राप्त करने के लिए जो शोध कार्य करते हैं वो आपका जिसको कि हम पीएचडी कहते हैं, वो आपका डिग्री प्राप्ति के लिए कहलाता है। उसके अंतर्गत किसी संस्थान किसी यूनिवर्सिटी में आप जुड़कर और अपना एक नियमित समय होता है, उस नियमित समय के अंतर्गत आपको वो कार्य करना होता है और वो उसमें अगर आपका कार्य सक्सेसफुल होता है तो उसके लिए आपको एक डिग्री प्रदान की जाती है। जो नॉन डिग्री होता है वो भी एक तरह का शोध ही है, जैसे कोई प्रोजेक्ट लेता है, प्रोजेक्ट के अंतर्गत जैसे मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे एमएचआरडी मिनिस्ट्री है उसमें लोग प्रोजेक्ट लेते हैं जो आजकल शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, तो उस एमएचआरडी मिनिस्ट्री में भी लोग जो है प्रोजेक्ट सबमिट कराते हैं और अप्रूवल के बाद उस पर कार्य करते हैं। वो केवल रिसर्च स्कॉलर्स भी काम करते हैं, कई बार टीचर्स भी उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट लेकर और आगे अपना शोध कार्य बढ़ाते हैं। उसके लिए आपको मिनिस्ट्री द्वारा फंडिंग भी की जाती है, क्योंकि उसके पीछे फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, वो आपको डिग्री नहीं देते हैं लेकिन आपका कार्य जो है वो जन जन के लिए लाभप्रद होता है। क्योंकि कई बार वो इतना जो पुरानी हमारी विधाएं लुप्त हो रही हैं उनके ऊपर कार्य कराया जाता है तो उसको प्रिजर्वेशन हो जाती है, तो वो कार्य बहुत आगे हेल्पफुल होता है, तो उसके लिए लेकिन आपको डिग्री नहीं मिलती है और वो जो है प्रोजेक्ट्स इस तरह से किए जाते हैं। फंडिंग तो आपकी डिग्री वाले में भी होती है, पीएचडी स्कॉलर्स को भी नॉन नेट के रूप में या जो है जो जेआरएफ ले लेते हैं वो कहीं ना कहीं से उनकी फंडिंग होती है, उन बच्चों को भी कुछ ना कुछ फंड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं कार्य करने के लिए। उसके अलावा जो आपका नॉन डिग्री में है वो एक और आता है पर्सनल लेवल पे, अगर कोई कार्य करता है पर्सनल लेवल पे, जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स अपने जो है करियर एडवांसमेंट के लिए काम करते हैं, कोई बुक लिखते हैं या कोई जो है आपका रिसर्च पेपर करते हैं या प्रैक्टिकल के अंदर कोई जो है ना नए रागों की उत्पत्ति करना, नए राग बनाना, नई बंदिशों का निर्माण करना, ये सब भी जो है आपका एक तरह का शोध है। क्योंकि शोध केवल इसीलिए नहीं है कि आप कुछ आगे बढ़ने के लिए, वही मैंने कहा ना करियर एडवांसमेंट के लिए तो है ही है, साथ में आत्मसंतुष्टि के लिए भी लोग कार्य करते हैं।
क्योंकि जब कहीं प्रगति चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ अपनी ज्ञान की वृद्धि, कुछ ना कुछ आगे बढ़ना अनिवार्य है। अगर कहते हैं ना कि पानी भी एक जगह ठहर जाए तो उसमें वो दूषित हो जाता है, तो इसलिए जरूरी है कि कंटिन्यूस स्टडी की हमेशा आवश्यकता होती है। चाहे वो आप किसी भी लेवल पर हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ उसमें आगे बढ़ना है, और इस आगे बढ़ने की जिज्ञासा ने ही आज हमको जो हमारा पुरातन युग था उससे जो भी हमारे अंदर जो हमने आज डेवलपमेंट किया है हर क्षेत्र में, उसके पीछे कहीं ना कहीं शोध एक तरह से इन्वॉल्व है। उसी के द्वारा जो है एक नए मानव को जो है ना नया कुछ पाने की, नया कुछ खोजने की हमेशा उसके मन में चाह रही है, और उसी कारण से वो शोध कार्य आगे बढ़ा है। चाहे वो संगीत है, चाहे वो आपके और सब्जेक्ट्स हैं। संगीत में भी अगर हम बात करें कि ठीक है वैदिक पीरियड, अगर हम वहीं के वहीं अटक जाते, वैदिक पीरियड से हम आगे बढ़े हैं तो वो वैदिक पीरियड को हमने साथ में लेकर वैदिक पीरियड में जो हमें संगीत मिलता है उसी को शोध के द्वारा आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने उसको आगे यहाँ तक लाया है, और आगे भी उसका अच्छा भविष्य है, बच्चे उसके अंदर भी आगे भी कार्य करेंगे। तो रिसर्च किसी भी रूप में किया जाए, कैसे भी किया जाए, लेकिन उसके लिए एक विषय अथवा लक्ष्य की आवश्यकता होती है। विषय ही वो है जो आपको लक्ष्य प्रदान करता है, क्योंकि अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप किस दिशा में जाएंगे। आज अगर आपको अपने घर से निकल के यूनिवर्सिटी भी जाना है तो आपको मालूम है कि आपने यूनिवर्सिटी जाना है। अगर आपको यही नहीं पता कि यूनिवर्सिटी जाना है, आप घर से निकल गए तो आप कहाँ भटकेंगे, आपको तो ये पता ही नहीं कि आपने कहाँ जाना है, सड़कों पे थोड़ी भटकना है। तो इसी तरह से शोध कार्य में भी ये आवश्यक है कि एक लक्ष्य आपके सामने हो, और वो लक्ष्य जो है आपका विषय ही आपको प्रदान करता है। हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट अपने आप में वास्ट है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे संगीत की। तो संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सी दिशाएं हैं, बहुत वास्ट है। खाली संगीत कह देने से संगीत नहीं है, कि संगीत अगर आपने कह कि हमने संगीत में शोध करना है तो संगीत में किस दिशा में शोध करना है। संगीत तो अपने आप में बहुत है, संगीत में तो गायन वादन नृत्य कला तीनों ही आती हैं। फिर उसका जो है ना वैदिक पीरियड है, उसका जो है ना आगे का आपका इतिहास आता है, प्राचीन काल है, मध्य काल है, आधुनिक काल है, उसमें रागों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके अंदर थाट राग पद्धति कैसे आई, मेल राग पद्धति कैसे हुई, राग रागनी वर्गीकरण किस आधार पे हुआ। तो इतने उसमें टॉपिक्स हैं कि खाली संगीत कह देने से ही उसमें आप नहीं शोध कर सकते, तो उसके लिए एक दिशा निर्धारित करना अति आवश्यक हो जाता है। और ये जो आपका विषय है यही आपके शोध का आधार बीज होता है, जिसके ऊपर आप ये कहिए नींव है, जिसके ऊपर की आपकी इमारत खड़ी होती है, बिल्डिंग उसी के ऊपर खड़ी की जाती है। तो इस जो शोध विषय का चयन होता है वो शोधार्थी अपनी रुचि के अनुसार ही इसका चयन करता है, क्योंकि अगर उसकी अपनी रुचि नहीं होगी तो वो कार्य किस प्रकार से संपन्न करेगा। तो विषय चयन की भी हमारी तीन प्रणालियां हैं। एक जो पहली प्रणाली कहलाती है वो है योजनाबद्ध प्रणाली। योजनाबद्ध प्रणाली नॉर्मली जो है ना साइंस, सोशल साइंस, इन सब में प्रयोग की जाती है, जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि किन विषयों पर कार्य हो चुका है और अब कौन से विषय हैं जिन पर आगे कार्य करने की आवश्यकता है, उसको देखते हुए उसकी एक सूची तैयार की जाती है, और इन विषयों को शोधार्थी को उसकी सामर्थ्य के अनुसार उनको अलॉट किया जाता है और उनसे उसके अंतर्गत कार्य कराया जाता है। ये आपकी योजनाबद्ध प्रणाली है। लेकिन अगर हम संगीत की बात करते हैं, इसमें हम मुख्यतः दो प्रणालियों का हम प्रयोग करते हैं। एक है आपकी स्वच्छंद एवं व्यक्तिक प्रणाली, और दूसरी है आपकी सूचीबद्ध प्रणाली।
स्वच्छंद, जैसा कि आपका शब्द से ही ज्ञात है कि स्वच्छंद मतलब अपने आप में शोधार्थी अपना टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए स्वच्छंद है कि वो अपने हिसाब से जो है ना अपनी रुचि अनुरूप एक टॉपिक का सिलेक्शन करता है और अपने निर्देशक के साथ परामर्श करके, क्योंकि निर्देशक की भूमिका बहुत अहम होती है रिसर्च वर्क में हमेशा, क्योंकि वो वही एक मार्गदर्शक होता है जो शोधार्थी को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। तो टॉपिक का सिलेक्शन भी शोधार्थी जो है निर्देशक के सानिध्य में ही उसको डिस्कस करके फाइनल करता है कि ये मैं टॉपिक मैं इस दिशा में कार्य करना चाहता हूँ, ये टॉपिक मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। उसके निर्देशक के साथ बातचीत करने के उपरांत जो है उस टॉपिक को वो अप्रूव करता है। और इसी के पैरेलल दूसरा है सूचीबद्ध प्रणाली। सूचीबद्ध प्रणाली में इसके थोड़ा सा विपरीत हो जाता है कि कोई निर्देशक अपने अनुरूप कुछ टॉपिक्स को सोचता है कि मैं इन टॉपिक्स पे काम कराना चाहता हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक अछूते हैं और इन टॉपिक्स पे काम होना चाहिए, तो उनकी वो एक सूची तैयार करता है। और जब कोई शोधार्थी उसको कॉन्टेक्ट करता है तो वो अपने आप उनको एक टॉपिक सजेस्ट करते हैं, तो वो आपकी होगी सूचीबद्ध प्रणाली। ये दोनों प्रणालियां पैरेलल चलती हैं, जहां जैसी सुविधा होती है अपने हिसाब से इस प्रणाली को ऑप्ट किया जाता है। लेकिन इस प्रणाली को ऑप्ट करने में भी सब में पहला जो आवश्यकता होती है वो ये देखने की आवश्यकता होती है कि जो टॉपिक आप ले रहे हैं उस टॉपिक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारी रिसर्च का मूलभूत तत्व है। आप UGC की गाइडलाइंस भी पढ़िए तो सभी जगह ये मेंशन्ड है कि जो काम एक बार हो गया है उसको आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। तो आपको ये देखना आवश्यक हो जाता है कि और यूनिवर्सिटीज में और कहाँ कहाँ पर जो टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस टॉपिक पे पहले कार्य हो चुका है क्या, या और कहीं कार्य चल रहा है। आज के युग की बात करें तो ये थोड़ा सरल हो गया है। पहले क्या था, पहले अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से कोई टॉपिक लेता था तो उसको विभिन्न यूनिवर्सिटीज से संपर्क करना पड़ता था, कहीं कहीं उसको जाना पड़ता था, वहाँ कैटेलॉग देखना पड़ता था, तब उसे पता लगता था कि इस टॉपिक पे कहाँ तक कितना कार्य हो चुका है। लेकिन आज तो आपका नेट की सुविधा है, आप एक क्लिक पे आपको सब मिलता है, सब यूनिवर्सिटीज की या सब डिपार्टमेंट्स की आपको वेबसाइट अवेलेबल है और उन वेबसाइट्स पे आपको टॉपिक भी कहीं ना कहीं सब मिल जाते हैं कि ये रिसर्च हमारे यहाँ से हो गई है। फिर काफी कुछ रिसर्च वर्क ऐसा है कि जो बुक फॉर्म में पब्लिश होके भी सामने आ जाता है, तो वो भी पता लग जाता है कि ये कार्य हो गया है। क्योंकि जब एक कार्य हो चुका है उसकी पुनरावृत्ति करने से कोई लाभ नहीं है, उसमें ही अगर उसी टॉपिक पे दोबारा कोई काम करना चाहता है तो उसको नवीन दिशाएं खोजनी पड़ती है, नवीन दिशाओं की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात कहूँ, जैसे अभी उन्होंने भी बात करी फोक म्यूजिक की भी बात करी, लोक संगीत है, किसी स्टेट का लोक संगीत है, लोक संगीत की एक विधा पे आपने काम कर लिया, ठीक है, काम आपका फिनिश हो गया। अब दूसरा ही स्टूडेंट अगर उस पर काम करना चाहता है तो उसकी दिशा अलग होगी। लोक संगीत विधा वही है लेकिन उस लोक विधा को आज प्रेजेंट में उसकी क्या स्थिति हो गई है उस पे लिया जा सकता है, आजकल के जो नवीन प्रयोग हो रहे हैं उनका क्या प्रभाव उस पे पड़ रहा है, वो उस पे प्रभाव को लेकर टॉपिक सेलेक्ट किया जा सकता है। इस तरह से विषय वही होते हुए भी उसमें नवीन दिशाएं खोजी जा सकती हैं, नवीन दिशाएं खोजी जा सकती हैं। और यही एक शोधार्थी का कार्य होता है और शोधार्थी को इन्हीं सब बातों को ध्यान में समय पहले रखना पड़ता है। एक शोध विषय को खोजने से पहले, बिल्कुल चयन करने से पहले कि वो जिस दिशा में काम करना चाह रहा है उस पे क्या क्या उसका ऑलरेडी काम हो चुका है, ये उसको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष पे ही आप काम कर रहे हैं, आपने
वो व्यक्ति अब है नहीं, आपने काम किसी यूनिवर्सिटी में हो गया, सब कुछ हो गया, तो आप उसका क्या करेंगे? वही चीज अगर आप लेंगे तो पुनरावृत्ति है, मतलब आपका अपना योगदान क्या है, आपने वहां से भी उठा लिया तो कर लिया। तो इसलिए अपना सेल्फ योगदान होना भी बहुत जरूरी है, तो टॉपिक उसी हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। तो इसके अंदर जो मुख्य बिंदु हैं उन पे अब मैं आना चाहूंगी कि किसी भी प्रणाली के आधार पर जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो विषय को चयनित करने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिनके की तहत आप टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं और उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है टॉपिक में आप कुछ नवीनता ला सकते हैं। तो इसके अंदर सब में पहला जो पॉइंट है मेरे हिसाब से वो है शोधार्थी की अभिरुचि। शोधार्थी की जो रुचि है वो अपने कार्य, अपने विषय के प्रति होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर उसकी अपनी ही रुचि नहीं है तो वो काम निरर्थक, वो उसको पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर पाएगा। उसकी रुचि होगी तभी वो उस मार्ग पे आगे चल के अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उसके अंदर जागृत होगी, वो कुछ नई दिशाएं खोजेगा, कुछ नया जानने का प्रयास करेगा। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल अलग अलग पक्ष होते हैं कार्य के, ऐतिहासिक पक्ष भी है, क्रियात्मक पक्ष भी है, सामाजिक पक्ष भी है, किसी का मेडिकल की तरफ इंटरेस्ट है, किसी का मैथमेटिक की तरफ इंटरेस्ट है, बहुत से एरियाज हैं जहां आप रिसर्च कर सकते हैं। अब आपका इंटरेस्ट तो इतिहास में नहीं है, आपको टॉपिक दे दिया गया कि आप करिए ऐतिहासिक पक्ष पे, तो जिन बच्चों का इतिहास में इंटरेस्ट नहीं होता, मैं जानती हूं उनको पढ़ने में कोई रस नहीं है, वो बिल्कुल एक उसको जो है क्या जैसे कहते हैं ना मजबूरी में पढ़ते हैं। आपको कोई पीरियड दे दिया गया या कोई टॉपिक आपको ऐसा ही दे दिया गया, किसी वाद्य के विकास, आपको आपको उसमें विभिन्न मंदिरों में जाके और रिसर्च करनी है, आपने देखना है कि मूर्तियों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे वाद्य दिखाए गए हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो इतने प्रयास ही नहीं करेगा स्टूडेंट। वो ये सोचेगा कि जो मैटर, जैसा अभी उन्होंने पीछे मेरे से पीछे जो वक्ता थे उन्होंने बोला कि चार बुक्स उठाई और काम करके सबमिट करा दिया, फिर वो वही स्थिति आती है कि तीन चार बुक्स उठाई, चलिए आपको यहाँ से हिस्टोरिकल थोड़ा सा वो मिल गया, इस ग्रंथ में थोड़ा सा मिल गया, आपने पढ़ा, उसका ट्रांसलेशन पढ़ा और आपने उस काम को सबमिट करा दिया, क्योंकि एक टाइम बाउंड काम होता है रिसर्च का, तो उसमें कोई सार्थकता नहीं है, कोई लाभप्रद नहीं है, कोई फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि आप क्योंकि हर काम, मैंने पहले भी कहा, हर काम आपका आगे आने वाले शोधार्थियों का मार्गदर्शन करता है, पिछले फुटप्रिंट्स पे चल के आप आगे बढ़ते हैं और जो आयाम आपने स्थापित कर दिए हैं उन आयामों से आगे अगला शोधार्थी बढ़ता है। लेकिन अगर आपने ही आधा अधूरा काम किया है तो आगे आने वाले शोधार्थी के लिए तो वो पिछले को भी देखना अनिवार्य हो जाएगा कि भाई काम संपूर्ण नहीं है और आगे तो जो उसने करना है वो करना ही है। इसी तरह कोई प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम करना चाहता है उसको जो है ऐतिहासिक पक्ष पे काम करना चाहता है और उसको दे दिया प्रैक्टिकल बेस्ड कि आप इस ग्रुप के रागों का एनालिटिक एनालिसिस करिए। अब वो कहना नहीं चाहिए, कई बार होता है कि बच्चों के हर एक अपनी सामर्थ्य होती है, नहीं जो है ना आप उसमें उतना दखल रखते हैं, नहीं आपको उतना इंटरेस्ट आता है, तो क्या आप उसका एनालिसिस क्या करेंगे, रागों का नहीं कर पाएंगे, तब भी आप कुछ बुक्स का और इधर उधर से लोगों का सहारा लेंगे, आपके अपने व्यूज उसमें कहाँ जाएंगे।
तो इसलिए सब में पहला पॉइंट मेरे हिसाब से तो सब में महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि स्टूडेंट की अपनी अभिरुचि होना जरूरी है। अगर उसकी अपनी रुचि होगी तो वो नए से नए खोज करके लाएगा। कई बार होता है स्टूडेंट्स कि जो टीचर को भी नहीं पता होता वो वहां से निकाल के लाते हैं कि हमने ये चीज पढ़ी, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो क्योंकि उनका इंटरेस्ट है वो जाते हैं, खोजते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके लाते हैं। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है कि शोधार्थी की अपनी रुचि का होना बहुत जरूरी है। दूसरा है नवीनता और मौलिकता। ये जैसे मैंने अब ये तो पहले पॉइंट में भी मैंने आपसे प्रारंभ में ही बात कर ली कि टॉपिक में नवीनता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिपीटिशन है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई रिपीट भी करना चाहता है तो किस रूप में उसको रिपीट कर सकता है, क्योंकि कभी भी कोई टॉपिक मेरे हिसाब से एग्जॉस्ट नहीं होता, खत्म नहीं हो जाता कि आज मैंने शोध कर लिया तो वही चीज वहीं पर समाप्त हो गई, क्योंकि जैसे जीवन चलता है उसके साथ नए चेंजेस आते हैं और उसमें कुछ नई दिशाएं हमेशा खोजने को मिलती हैं। तो एक टॉपिक के लिए ये नहीं कह सकते कि वो टॉपिक वहीं खत्म हो गया, एक ने रिसर्च कर ली तो दूसरा उस पे नहीं कर सकता। हाँ, सेम तरह से नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें दूसरे आयाम ढूंढते हुए, दूसरे दिशा ढूंढते हुए कर सकता है। वो जैसे इसके बाद होता है सिनॉप्सिस, तो ये उसका एक पहलू है। मैं यहाँ पर जरा सा सिर्फ इतना सा बताना चाहूंगी कि जब ये टॉपिक्स अलग अलग जो दिशा दिखाते हैं वो आपकी सिनॉप्सिस उस चीज को डिपेक्ट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक सेम आता है, ऐसा लगता है कि ये टॉपिक तो उस यूनिवर्सिटी में हुआ हुआ है, लेकिन वो सिनॉप्सिस बताते हैं कि उसके जो चैप्टर्स हैं और जो बच्चे का थॉट ऑफ लाइन है वो दूसरी है, वो दूसरे एंगल से उस पे का शोध कार्य करना चाह रहा है, तो लेकिन रिपीट नहीं होता है। तो उसी को हम कहते हैं कि उसमें नवीनता और मौलिकता। मौलिकता अपने आप आएगी जब आप उसमें एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, एक नए तरीके से खोज करेंगे, तो उसमें आपकी मौलिकता होना अनिवार्य है, ताकि आपने अंत में उसका क्या निष्कर्ष निकाला, आपने उससे क्या जाना और आगे आने वाले शोधार्थियों को आप क्या उसके बारे में, कौन से आप ऐसे पॉइंट्स देना चाहेंगे, कौन से आप ऐसी जानकारी प्रदान करना चाहेंगे जो पिछले से और आज के गैप को आप किस तरह से भरते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, वो सब आप जो बताना चाहेंगे वो इसी के अंतर्गत आएगा आपका, कि टॉपिक नवीन होना चाहिए और मौलिक होना चाहिए। फिर है आपका क्षेत्र में योगदान। तीसरा ये देखना जरूरी होता है कि जो टॉपिक है वो आपके अपनी फील्ड में कुछ योगदान प्रदान कर रहा है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ भी वही बात आ गई सेम, अगर हम कहते पुनरावृत्ति होएगी तो कोई योगदान नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसको कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत हेल्पफुल है, जैसे अभी ग्रंथों की भी बात हुई थी, ग्रंथ हरेक किसी के लिए हरेक किसी में इतनी सामर्थ्य या कहिए इतनी जरूरी नहीं है कि सबको संस्कृत आती है, इतने वो विद्वता है कि वो संस्कृत पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट जिसको संस्कृत भी आती है, भाषा का अच्छा ज्ञान है, अगर वो किसी ग्रंथ पे कार्य करता है, उस ग्रंथ को कार्य करके वो एक इजी फॉर्म में एक अच्छी हिंदी में उसको लिखता है और आपको उस ग्रंथ की सारी जानकारी प्रदान करता है, तो वो आगे आने वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर वो उस ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते तो उस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है ये तो वो जान सकते हैं, और इसको जानने के लिए वो उस रिसर्च वर्क को कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये क्षेत्र में योगदान है। इसी तरह से अन्य भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनमें कि आप अपने क्षेत्र में, हर टॉपिक आपका क्षेत्र में योगदान प्रदान करता है। कोई विलुप्त होती हुई कला है, कोई फोक में आपका स्टाइल है जो कि बहुत सुदूर कहीं है और विलुप्त हो रहा है, लेकिन अगर कोई शोधार्थी उस पर काम करता है,
उसको जो है जाके उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करता है, उसके विलुप्त होते हुए वाद्यों की जानकारी प्रदान करता है, वो संगीत किस तरह का है, उसके कुछ एक अगर गायक रह गए उनकी रिकॉर्डिंग्स करके लाता है, तो वो एक तरह से उसको प्रिजर्व करने का भी काम करता है कि वो विधा पूरी तरह से लुप्त ना हो जाए, उसका प्रिजर्वेशन भी हो जाता है, और आगे अगर कोई उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसके द्वारा उसको आगे जानकारी भी मिल जाती है। तो ये इन सब तरह से अगर हम देखें तो क्षेत्र में अपने अपने योगदान, हर टॉपिक को अगर आप इस तरह से डील करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो टॉपिक जो है आपको अपने क्षेत्र में कहीं योगदान प्रदान कर रहे हैं। टाइम भी शायद ज्यादा हो रहा है, मैं दो पॉइंट्स और सिर्फ कहूंगी। एक है समय सीमा का महत्व। समय, क्योंकि रिसर्च वर्क हमेशा एक लिमिटेड पीरियड में बंधा हुआ होता है, उसके अंतर्गत एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। पीएचडी करते हैं तो 4 साल या 5 साल की जो आपकी समय सीमा है, प्रोजेक्ट्स जो करते हैं उसमें भी एक समय सीमा है सिर्फ, लेकिन जो वो पर्सनल लेवल पे आप अपने लिए कर रहे हैं, आप अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए कर रहे हैं, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती है कि ठीक है आप उसमें 4 साल लगाइए 5 साल लगाइए, जब तक आपको खोज, जब तक आपकी मन की संतुष्टि नहीं हो जाती आप कुछ भी कार्य करिए। लेकिन जो डिग्री के लिए होता है या प्रोजेक्ट्स के लिए होता है उसमें एक समय सीमा निर्धारित होती है, तो उस समय सीमा का ध्यान में रखते हुए भी विषय का चयन किया जाता है कि विषय इतना वास्ट नहीं होना चाहिए कि आप कार्य करते ही जाएं और जो है वो आपके समेटने में ही ना आए, आपको कुछ समझ में ही ना आए कि ये तो किस तरह से कंप्लीट होगा। जैसे अभी भी पीछे फिर मैं उन्हीं की बात करूंगी, उन्होंने मध्यकाल की बात करी। मध्यकाल में अगर आप कहें मध्यकालीन संगीत का विश्लेषणात्मक अध्ययन तो कैसे करेंगे? मध्यकाल बहुत बड़ा है, मध्यकाल उसमें जो है ना बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बहुत से शासक आए और हमारे हिंदू शासक भी उस समय काफी अलग अलग राज्यों में जैसे तोमर वगैरह सब रहे, म्यूजिक तो सभी के कोर्ट्स में था, म्यूजिक सभी के राज्यों में था, तो आप कहाँ तक उसको समेटेंगे कि उस समय कौन कौन से कलाकार थे, कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई, सामाजिक स्थिति क्या थी, म्यूजिक जो है भक्ति संगीत किस प्रकार का था, म्यूजिक को समाज में कितना स्थान प्राप्त था, आप किस किस पहलू को आप टच करेंगे, तो वो निरर्थक हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम्स में थोड़ी रिसर्च की जाती है। रिसर्च भी एक लिमिटेड पीरियड में, लिमिट में की जाती है ताकि कुछ आप जानकारी प्रदान कर सके। उसमें क्या है वो तो फिर आप हिस्ट्री की बुक से इधर से आपने उठाया, एक एक पैराग्राफ सबके बारे में लिखेंगे तो भी आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट हो गया क्योंकि वो तो पीरियड ही इतना बड़ा है कि उसी में आपका इतना काम हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये आवश्यक है कि टॉपिक को उसी हिसाब से बांध दिया जाए। यहां मैं आपसे फिर कहूंगी कि निर्देशक का बहुत बड़ा रोल होता है, निर्देशक की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि जब कोई बच्चा इस तरह का टॉपिक लेकर आता है तो निर्देशक उसको एक छोटे दायरे में बांधता है कि आप इस पीरियड पे चलिए, अगर करना है अकबर के काल में करिए, उसमें भी खाली संगीतज्ञों पे करिए या उस समय के लिखित ग्रंथों पे करिए, तो आपके पास पूरा टाइम है उसके ऊपर डीप नॉलेज गेन करने का, डेप्थ में जाने का, तब तो आपका कुछ काम जो है लाभप्रद होगा। तो इसलिए टॉपिक इतना वास्ट नहीं होना चाहिए कि उसका फिनिश होना मुश्किल हो जाए, और साथ ही इतना शॉर्ट में भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक चैप्टर लिखा, दो चैप्टर लिखे, आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा, इस पे तो और मैटर ही नहीं है, मतलब स्टार्ट हुआ और फिनिश हो गया। तो इन सब चीजों को ध्यान में भी रखना आवश्यक हो जाता है। तो समय सीमा का एक अपना महत्व होता है। फिर जैसे मैंने कहा था स्टूडेंट की अभिरुचि होना जरूरी है, उसी तरह से सेकंड मेरे हिसाब से जो दूसरा पॉइंट है
वो मेरे हिसाब से सहायक सामग्री की उपलब्धता है। किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसके लिए आपके पास सपोर्टिंग सोर्सेस कौन कौन से, आपके पास सहायक सामग्री क्या है, कौन कौन से स्रोत से आपको मटेरियल प्राप्त हो सकता है। स्रोत दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपने शायद इन दिनों में आपकी चर्चा में आ गया होगा। एक होता है आपका प्राइमरी सोर्सेस और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस के अंतर्गत जैसे इंटरव्यू मेथड है, और सेकेंडरी सोर्सेस में आपके बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, और आपके जो है ना आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं। टॉपिक के अनुसार जो है ना आपकी शिलालेख है, मूर्तिकला है, चित्रकला है, या आपके म्यूजियम्स हैं, तो ये सारे ही संगीत के, मैं संगीत विषय की ही बात कर रही हूँ, तो उसके लिए ये सारे आपके स्रोत हैं जिन स्रोतों के द्वारा आप अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास जानकारी एकत्र करने के लिए स्रोत होने चाहिए। अगर आपके पास स्रोत ही नहीं है तो आप मटेरियल कहाँ से लाएंगे, आप अपने टॉपिक पे किस तरह से आगे बढ़ेंगे, वो भी आपके लिए एक डेड एंड की तरह हो जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आता है आगे कैसे करना है, क्योंकि इन स्रोतों की प्रकाश में ही आप उनको अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं फिर। लेकिन आपके लिए स्रोत आवश्यक है, क्योंकि उसी के द्वारा जो है आपका जानकारी प्राप्त होती है। इंटरव्यूज भी, अगर सपोज किसी आपने ऐसे कलाकार के बारे में कार्य करने का सोच लिया जिसके बारे में ना तो लिखित रूप से कोई आपके पास जानकारी ज्यादा उपलब्ध है, कुछ जानकारी नहीं है, और सेकेंडरी वो कलाकार अब खुद तो खैर है ही नहीं, लेकिन उनके साथ के जो सहयोगी या उनके साथ के जो कलाकार थे वो भी नहीं है, उनके बारे में कोई और जानकारी आपको प्रदान करने वाला नहीं, सिर्फ आपने ये देखा कि ये टॉपिक नहीं हुआ है और हम इस पे कार्य कर लेते हैं, तो आपको वो जानकारी कहाँ से मिलेगी? आप वो जानकारी अपने हिसाब से अपने आप तो नहीं रच सकते, उनके जीवन के बारे में अपने आप तो रचना नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई माध्यम चाहिए जो आपको ये जानकारी प्रदान कर सके। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सहायक सामग्री उपलब्ध हो, ऐसा ही टॉपिक सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में एक पॉइंट और है इसके अंतर्गत कि शोधार्थी की क्षमता और मनोवृत्ति देखते हुए भी टॉपिक का सिलेक्शन होना चाहिए। मनोवृत्ति तो वही हो गई कि अगर आपकी रुचि नहीं है, आपका मेंटल स्टेटस वो नहीं है कि आप इस पे काम करना चाहते हैं और जबरदस्ती आपको दे दिया गया, तो मनोवृत्ति अगर आपकी नहीं है तो वो कार्य अधूरा ही रहेगा। लेकिन जहां तक क्षमता की बात, क्षमता में अगर आपकी क्षमता प्रैक्टिकली कम काम करने की है तो आपको प्रैक्टिकल लेना चाहिए। उसके साथ साथ, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसके साथ साथ मेरा तात्पर्य क्षमता से एक और है। सपोज टॉपिक ऐसा मिल गया जिसके अंदर बहुत ज्यादा फील्ड वर्क की आवश्यकता है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि वाद्यों के ऊपर है, या कुछ भी ऐसा है कि जिसकी आपने उत्पत्ति, आप विकास आप बात कर रहे हैं और आपको उसके जो है ना भित्ति चित्रों में या मूर्ति कलाओं में आपको वहां से भी साक्ष्य ढूंढने पड़ते हैं कि जिस वीणा या जिसकी हम वाद्य की बात कर रहे हैं इसका प्रारंभिक रूप क्या था, जाना पड़ता है। लोक फोक म्यूजिक है, कहीं कोई ऐसी लोक परंपरा है जिसके के लिए आपको देश के दूर किसी कोने में जाके और वहां से आपको ये कार्य करना अनिवार्य है कि वहां का आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और वहां के लोगों से बातचीत करके वहीं से आपको लाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्षमता कई प्रकार से प्रभावित करती है। कई बार कोई साधन संपन्न नहीं होता है, कई बार अपने पर्सनल कोई इस तरह की समस्या होती है कि आप उतना ट्रेवल नहीं कर सकते हैं,
वैसे तो आजकल कहना चाहिए लेडीज का युग है, गर्ल्स का युग है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ ऐसे बंधन भी हो जाते हैं कि आप दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते हैं अकेले। तो ऐसे टॉपिक्स को लेते हुए ये देखना जरूरी है कि अगर उसमें फील्ड वर्क है तो आपकी कितनी क्षमता है कि आप उसको किस डील कर सकेंगे कि नहीं डील कर सकेंगे। आपकी जितनी आपके सामर्थ्य है, आपकी जो क्षमता है, उसी के अनुरूप जो है आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए। और इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए एक रिसर्च का जो स्टूडेंट है, जो नए एमए करने के बाद जो अब रिसर्च में प्रवेश करेगा, तो उसके लिए इन बिंदुओं को जानना अति आवश्यक है कि अगर वो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक का सिलेक्शन करता है तो उसका निष्कर्ष भी अच्छा ही निकलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने बड़े ही सार गर्भित शब्दों में अपना व्याख्यान संपूर्ण किया, और न केवल नए विद्यार्थियों के लिए जो शोध अभी में प्रवेश ले रहे हैं या अभी अभी जिन्होंने प्रवेश लिया है या स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं और शोध करना चाहते हैं, बल्कि जो अभी शोधरत हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण बिंदु जानना बहुत जरूरी था, बहुत ही आवश्यक था। और आपने बहुत अच्छे तरीके से, एकदम क्रमबद्ध तरीके से, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से ये सारे बिंदु बताए, हमारे साथ बांटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आपका सब मैंने सिर्फ एक प्रयास किया है, क्योंकि ऐसा मुझे था कि भाई स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मेरी बात हुई थी कि भाई स्टूडेंट्स जो नए आते हैं उनको किस तरह से सिलेक्शन टॉपिक करना चाहिए, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना वक्तव्य देने के प्रयास किया। जी मैम, ये मार्गदर्शन बिल्कुल उनके लिए अत्यंत आवश्यक है, और इसी उद्देश्य से इस व्याख्यान का आयोजन किया गया था। अब आपके सम्मान में सम्मान पत्रक पढ़ने के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर संगीता सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ, और प्रतिभागियों से निवेदन है कि इतनी देर में आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में डाल दें ताकि प्रोफेसर अलका नागपाल जी उनका उत्तर दे पाए। आदरणीय प्रोफेसर संगीता सिंह जी। हेलो हेलो जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ. जी जी मैम, मैम बहुत सुंदर। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि अभी अभी जब हम मार्च में बच्चों का एडमिशन लिए थे, जो हमारे नए शोधार्थी हैं, हम सब उनसे ठीक से उनसे संपर्क भी नहीं हुआ, और ये विषम परिस्थिति आ गई, और टाइम यू चला जा रहा है। उनसे हम उनका एक साथ रह के हम उनकी समस्याएं नहीं समझ पा रहे हैं। तो मेरे मन में ये सारी चीजें थी कि कैसे वो शोध करें, अपना लक्ष्य कैसे वो निर्धारित करें, योजनाएं कैसे बनाएं, क्या आधार हो उनकी। तो बहुत सारी चीजें मैम आपने बहुत ही स्पष्ट कर दिया, और मुझे बहुत, खुद मैं बहुत हर्षित हूँ कि इतना सुंदर आपका या ज्ञान वर्धक या व्याख्यान रहा है, कि जितने अभी शोधार्थी मैं स्क्रीन में देख रही हूँ कि सब लोग उसको ध्यान से सुन रहे हैं, और जो ये आपका दिया हुआ व्याख्यान है इसको वो लोग ध्यान में रखते हुए अपने शोध को, शोध की जो रणनीति है उसको तय करेंगे। और मैं आपको बहुत हृदय से मैडम आपका आभार व्यक्त करती हूँ, और वाद्य विभाग हमेशा ही आपका ये, जो आपने अपनी अमूल ज्ञान को, जो आपने हम सभी विद्यार्थियों का ज्ञानार्धन किया, इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। वाद विभाग हमेशा ही आभार आपका आभारी रहेगा। मैं आपके सम्मान में ये वाद विभाग की मैं मैम बहुत खुश हूँ, और आप मेरी खुशी आप मेरे उससे समझ सकती हैं कि मैं विद्यार्थियों के लिए, मैं हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सोचती हूँ कि मैं अपने विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए क्या कुछ कर पाऊँ। तो क्योंकि हम सब लोग इसी की हम लोगों का रोजी रोटी एक तरह कहेंगे, हम लोग ये इसी फील्ड में हम शिक्षक हैं, और हमारा उद्देश्य है कि उनको अधिक से अधिक उनका लाभ हो, ज्ञानार्धन हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, और वो सार्थक हो। आपने जैसे ये बोला कि हमारा शोध का जो योगदान, जब हम शोध करते हैं तो
वो शोध हमारे समाज में क्या योगदान देगा, बहुत सारी चीजें आप दिल को बड़ी छुई है। और निश्चित ही हमारे शोधार्थी जो नवीन है, जो अभी अभी प्रवेश लिया है, और हमारे ही नहीं पूरा ये जितनी पूरे भारत की मैं बात कर रही हूँ कि आपके जो ये अमूल ज्ञान जो अभी विद्यार्थियों ने सुना है, अनुभव सुना है, उससे वो अपने को अपने मार्गदर्शित करेंगे कि हम कैसे मार्ग पे चले और क्या क्या रणनीति तैयार करें, जो हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार काम करें और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। तो बहुत सारे आपने ज्ञानवर्धक बातें कही और मैं आपके सम्मान में वाद विवाद की ओर से मैं आपको सम्मान पत्र वाचन कर रही हूँ, और जो ये मैं इंटरनेट के माध्यम से मैं आपको प्रेषित करूंगी। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय BHU द्वारा 8 अगस्त से 14 अगस्त 2020 तक आयोजित संगीत में शोध के विविध आयाम व्याख्यान माला में दिनांक 10 अगस्त 2020 को प्रोफेसर अलका नागपाल जी ने अपने उत्कृष्ट ज्ञान वक्तव्य से संगीत जिज्ञासुओं को अभिनंदित किया है। वाद्य विभाग आपके इस अमूल योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है, वह आपको इस आवृत्ति सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है। मैम आपको बहुत बहुत आभार, बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पूरे डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं हाँ सबको नाम से नहीं जानती हूँ, इसलिए मैंने सबको नाम से संबोधित नहीं किया, लेकिन मेरी तरफ से सबको धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई जो आप लोगों ने ये एक पूरा लेक्चर्स इस तरह से आपने बच्चों के लिए किए हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं पुनः फिर मंच अनुराधा को सौंप रही हूँ कि वो अपना आगे संचालित करें। धन्यवाद मैडम। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। मैम अब आवाज आ रही है आपको? हाँ थोड़ी क्रैक करके आ रही है, बोलिए। हेलो हेलो जी, अब आवाज आ रही है आपको? हेलो स्टिल हो के आ रही है, नहीं वो क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, फिर भी बोलिए शायद मैं समझने का प्रयास करती हूँ। हेलो 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 शायद हेलो शायद अनुराधा की आवाज किसी कारणवश वो स्टिल ही हो गया है उनका पूरा। जी जी, तो मैं चाहूंगी कि हमारी वाद्य विभाग की डॉक्टर स्वर्णा कुटिया जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारी मैडम को धन्यवाद के लिए धन्यवाद दें आज का जो व्याख्यान हुआ है। तो मैं हेलो डॉक्टर स्वर्णा जी को आमंत्रित करती हूँ। हेलो संगीता जी, नमस्ते मैम, अलका मैम, इट्स वेरी प्लीजेंट coincidence that I am meeting you in this virtual platform. I am Dr. Swarna Kuntia. I am assistant professor in violin and disciple of Dr. N. Rajamji. So it's a good thing that we are meeting virtually. Thank you, madam, for giving me this, Sangeeta ma'am, for giving me this opportunity to thank Alka ji for her such a wonderful and informative lecture. I think our students who are joined here, not only our student, those who have joined in the Facebook medium also and in the Zoom medium, and those who are enrolled in research and also those who are doing research, they must have benefited out of this such a wonderful and very systematic lecture.
so that they will incorporate all the information that they have gathered today, and they will incorporate all these things in their research work. Ma'am, बहुत अच्छा लगा हम इस तरह हम लोग मिल रहे हैं, और आपने इतना सुंदर और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक, द टॉपिक वॉज सो एप्ट एंड सच अ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने आज चुना और उसको बच्चों के सामने रखे, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो उनके पास ये इतनी आइडियाज़ तो बहुत रहती है, बट दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट देयर रिसर्च एंड ऑल. सबसे बड़ी बात है कि टॉपिक क्या चूज करें एंड देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और ये सारी बात उनको जैसे भटके हुए रहते हैं, और पहला चरण जो है वो टॉपिक चुनने वाली बात. तो आपने इतना अच्छा इसके बारे में आपने आज बताया कि रिसर्च होता क्या है, रिसर्च कैसे करेंगे, उसकी मार्ग क्या रहेगा. नमस्ते संगीता जी. और बहुत सारा आपने अपने जो रिसर्च की जो आयाम, उसकी जो तरीका, मेथोडोलॉजी आपने बताया. हेलो, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है. हेलो, कैन यू, आई एम ऑडिबल टू यू ना? जी मैम, यू ऑडिबल, सुनाई दे. ओके, तो आपने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बताया कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए रिसर्च की, टॉपिक चयन करने से पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए पहली बात, और उसमें जो पॉइंट्स आपने बताया कि पहली बात है कि जो स्टूडेंट है उसको अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट से जुड़े हुए टॉपिक लेना चाहिए, सो दैट कि ही विल वर्क विद अ सर्टेन काइंड ऑफ एंथुजियाज्म इन दैट. ये नहीं कि जबरदस्ती उनको फॉर द सेक ऑफ डूइंग रिसर्च और फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एग्जस्टिंग देयर स्कॉलरशिप और फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ डिग्री, ऐसा नहीं होना चाहिए. जब हमको किसी चीज़ पे इंटरेस्ट है तभी हम उससे आगे बढ़ेंगे. ये बहुत अहम बात जो आपने पॉइंट आउट किए, तो सारे रिसर्च स्कॉलर्स को ये जानना चाहिए कि दे शुड आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ इन देम फर्स्ट, वो किस एरिया में काम करने से उनका काम और दुगना होगा, और इट विल बी बेनिफिटेड टू नॉट ओनली टू देम टू अदर्स ऑल्सो. ये बहुत अच्छी बात आपने बताया. और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, अगेन द स्टूडेंट शुड आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ, वो किस दिशा में, गणित अगर है तो गणित के साथ जुड़ के अपने संगीत को, या तो म्यूजिक थेरापी आप ले लीजिए, तो उसमें आपकी एक अंदर से नैक होनी चाहिए कि आप हील करना चाह रहे हैं किसी बच्चे, आप किसी भी तरह, आपने संगीत के माध्यम से हो, आप दूसरे को हील करना चाह रहे हैं, तो देन ही कैन गो टू दैट म्यूजिक थेरापी साइड. सो ये जो अपना स्ट्रेंथ है स्टूडेंट का, वो खुद अपना पहले समझे, ये बहुत अच्छी बात आपने बताया. और उसके बाद टॉपिक की वर्थ, एंड ये टॉपिक अगर हम करेंगे तो हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द फील्ड इट्सेल्फ एंड थ्रू माय रिसर्च, ये भी बच्चों को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेरा काम दूसरे का, जो हम काम करेंगे वो दूसरे के लिए कितना कारगर सिद्ध होगा और दूसरे के लिए कितना अच्छा होगा उस चीज़ के लिए, so that I can contribute my knowledge to others also. ये भी एक ध्येय आपने बताया कि ये भी अच्छा पॉइंट होना चाहिए कि जो भी टॉपिक पहले सोचे इस सारे पहलू को जान के फिर टॉपिक की चयन करें. और अपने टाइम लिमिट की भी बात की, बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एनरोल तो कर देते हैं लेकिन वो ख़त्म ही नहीं करते हैं, उनको लगता है कि अभी जब तक, स्पेशली तो आजकल मैं देख रही हूँ कि जब तक उनकी JRF और SRF चलता है वो तब तक वो ख़त्म नहीं करते हैं, जब एकदम डंडा पड़ता है ऊपर से देन वो जल्दी जल्दी आके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. वो दैट इज़ अनदर पॉइंट ऑफ एडिंग वैल्यू टू योर मनी टू योर रिसर्च एंड ऑल, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक. बट आप अपने काम को अगर जब तक
एक सही दिशा दे के एक प्रॉपर वे में नहीं करेंगे और अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तो वो भी आपके लिए मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट के लिए भी एक सिर पे एक लटकता हुआ कुछ चीज़ रहता है, जब तो किसी और चीज़ में वो ध्यान ही नहीं दे सकता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि आप अनलिमिटेड वे में चलो। यू शुड ट्राई इट एंड ट्राई टू फिनिश योर रिसर्च विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द टाइम। अपने रोल ऑफ सुपरवाइजर की भी बात आपने बताया, बहुत सुंदर ये बातें हैं। बच्चे जब आते हैं तो उनको बहुत सारी वेग आइडियाज रहता है और ये वो सोचते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, उनको एक एंकर की तरह उनकी सोच को भी हम थोड़ा बहुत सुपरवाइजर भी कोशिश करते हैं कि उसको मोल्ड करके उसको सही दिशा दे, सो दैट कि वो अपने काम से भटके ना। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया, और आपने ये भी बताया कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से कैसे आपने डाटा कलेक्शन करना है। पहली बात तो कि अपनी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स अवेलेबल है कि नहीं पहले तय कर ले वो, ताकि वो आगे उसको जाके उसको तकलीफ ना महसूस हो और उसको दिशा ना मिले। तो ये सारी बिंदु एक टॉपिक चयन करने के पहले आपको जान लेने की आवश्यकता है। तो ये सारी बात आपने इतने सिलसिले वार उसमें आपने बहुत अच्छे से बताया, मेरे ख्याल से हमारे सारे विद्यार्थी इससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। और मैं आपको कैसे धन्यवाद दूँ, मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, और आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। और मुझे लगता है कि आपकी जो बहुत सारे अनुराधा ने पहले बताया कि आपने बहुत सारे किताब इस टॉपिक इस रिलेटेड टॉपिक एंड रिसर्च रिलेटेड टू रिसर्च आपने बहुत सारे किताब भी लिखे हैं, तो मुझे सारे जो बच्चे हैं जो सुन रहे हैं इस व्याख्यान को, तो उनको अनुरोध है कि आपकी किताब भी वो पढ़े और उससे भी लाभान्वित हो। केवल ये एक घंटे का जो लेक्चर बहुत सफिशिएंट नहीं होता है, अगर वो आगे उसको पढ़ के उससे भी लाभान्वित होंगे तो दैट विल बी वैल्यू एडिशन टू देम फॉर देयर नॉलेज ऑल्सो। तो ये मेरी कहना था, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स BHU के तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए सहमति प्रदान की और इसमें जुड़े। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगी हमारे वाद्य विभाग के HOD मैडम प्रोफेसर संगीता सिंह जी को कि वो इस बारे में सोची। पहली बात तो है कि जब तक आप सोचेंगे नहीं तो फिर कार्य करना भी मुश्किल है, तो बहुत बहुत थैंक्स मैडम कि आपने ये सब बातें सोची और विद्यार्थी तक पहुंचाई। तो ये एक अच्छी सोच की बात है, और हम लोग सबको भी इस दिशा में सोचना चाहिए कि हम विद्यार्थियों से जुड़ नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन, और विद्यार्थी भी हम लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, कभी इंटरनेट की कमी है, कभी साधन की कमी है ये, लेकिन आपने ये जो काम उठाया, ये बीड़ा जो उठाया और ये इतने अच्छे से आप कर रही हैं, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे डीन फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोफेसर राजेश शाह जी, उनकी मार्गदर्शन हमेशा मिलता है आगे बढ़ने के लिए, तो उनको भी बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी हमारे, हम देख पा रहे हैं प्रोफेसर प्रवीण उद्धव, प्रोफेसर संगीता पंडित जी, डॉक्टर सुप्रिया शाह जी, और बहुत सारे मुझे सामने स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, बहुत इसके पहले भी जो वक्ता थे डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल सर, वो भी बहुत अच्छे से बच्चों को समझाए, बहुत सारे गूढ़ बातें। तो सभी जो जुड़े हैं इस व्याख्यान माला में प्रत्यक्ष और परोक्ष, सभी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग सब जुड़ के रहें, और स्पेशली थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, बहुत अभी तक अच्छे से सुन रहे हैं और इस व्याख्यान का लाभ उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ जिज्ञासा जो बच्चों का था वो थोड़ा सा रह गया बिकॉज ऑफ द टेक्निकल प्रॉब्लम, बट आई थिंक वो मैम के साथ
उनके किताब पढ़ के तो लाभ होगा ही उनको, और वो अपने पर्सनली भी दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट टू प्रोफेसर अलका नागपाल जी, और जी आपसे मार्गदर्शन जरूर होगा उनको जो भी ये, दे कैन ऑल्सो ईमेल और उनसे संपर्क करके उसकी निदान कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से मेरी जो खुशी है कि आप जुड़ी और हम लोगों को सभी को हम लोगों को सुनने को मौका मिला और जुड़ने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि जुड़ने का मौका मिला, सबको, मुझे भी जानने का सबको मौका मिला। जी जी, क्योंकि इतनी दूर बैठ के मैं भी आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं, मेरा उतना कॉन्टेक्ट रहता, तो मुझे भी आप लोगों को जानने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं आप सब लोगों का थैंक्स करती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं अभी अपना माइक्रोफोन जो है मैं दे रही हूँ अनुराधा जी, प्लीज कैरी ऑन इफ यू वांट। अधिक आभार मैम, कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण प्रश्न हमारे थोड़े रह गए थे। मैं निवेदन करूंगी मैम से कि आप कुछ 2-3 प्रश्न हम ले पाएंगे, इस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आप उनका उत्तर देने की कृपा करें। मालविका तिवारी जो संगीत एवं मंच कला संकाय की शोध छात्रा है, उनका प्रश्न है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च से मतलब यह है कि आप अपने शोध कार्य को, संगीत तो आपका है ही, दूसरे किसी सब्जेक्ट के साथ आप उसको मर्ज करके आप कार्य करते हैं, तो उसमें सब में बड़ी तो आवश्यकता यह है कि आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर थेरेपी की अगर हम बात करते हैं, तो थेरेपी आज अगर किसी भी एक आम स्टूडेंट से कह दिया जाए कि आप थेरेपी पे काम करो, तो वो नहीं, जब तक कि उसको मेडिकल, उसका कहीं बैकग्राउंड अगर ऐसा ना हो कि किसी लेवल पे उसने थोड़ी साइंस पढ़ी हो, और डॉक्टर्स के साथ तो उसको कंसल्ट करना ही पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा फील्ड वर्क करना पड़ेगा, उसे वहां जाके उस तरह के पेशेंट्स के साथ रहना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, तब वो उस चीज को प्रेजेंट तो कुछ उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन रागों का क्या क्या प्रभाव है। लेकिन प्राइमरी सब में पहला मेरा सोचना ये है कि उसके लिए उनको उस सब्जेक्ट की भी एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक भी कोई करता है तो अगर मैथ्स के, वो ठीक है, हमारा जितना संगीत है वो कैलकुलेशन पे, तो आपकी ताल पद्धति तो पूरी कैलकुलेटेड है, लेकिन अगर आपको मैथ्स में 0 है, आप मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, तो आप उसको कैलकुलेशन के साथ कैसे जो है ना मर्ज करेंगे, किस तरह से आपको उसको डिपेक्ट करेंगे कि ये कैलकुलेशन इस थ्योरम के हिसाब से ये आई हुई है, तो बहुत जरूरी है कि उसको जानना। जी मैम, एक और प्रश्न हम लेंगे। शिवेश कुमार पूछ रहे हैं कि अध्याय लिखते वक्त विषय में भटकाव से कैसे बचें, शोध के बिंदुओं का निर्माण कैसे करें। अध्याय लिखते हुए आप अपने बिंदुओं से जो आपका टॉपिक है, टॉपिक के लिए सबसे पहले आप एक सिनॉप्सिस फॉर्म करते हैं। यहाँ उतना टाइम नहीं था कि मैं सिनॉप्सिस की भी बात करती। सिनॉप्सिस जब आप सबसे पहले फॉर्म करते हैं, तो सिनॉप्सिस में भी आप एक अध्याय बनाते हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत मैं इन इन टॉपिक्स को टच करूंगा या करूंगी। तो भटकन तो तभी नहीं होगी जब आप उन सिनॉप्सिस को थोड़ा सा फॉलो करते हुए चलेंगे, तो आपको अध्याय लिखने में भी वही आपके जो बिंदु हैं, जो आपके सब हेडिंग्स हैं, हेडिंग तो एक हो गई अध्याय की, वो जो सब हेडिंग्स आपने ली हैं, अगर आपने किसी व्यक्ति पे कर रहे हैं उसके जीवन के बारे में, तो अगर आपने उसमें लिखा है कि उनका जन्म, उनकी शिक्षा, उनकी सांगीतिक शिक्षा, उनके जीवन के अन्य पहलू, तो अगर आप इसी को मद्देनजर रखते हुए आगे चलेंगे तो अध्याय लिखने में भटकन नहीं होगी। मेरे को लगता है कि वो यही पूछना चाह रहे हैं, और बाकी आपके निर्देशक हैं आपको गाइड करने के लिए, वो आपको भटकने नहीं देंगे। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही, और इसीलिए शोध निर्देशक होते हैं।
ताकि वे आप शोधार्थी का निर्देशन करते रहें पूरे समय। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत जिज्ञासा है विद्यार्थियों की, लेकिन समय सीमा हम लोग वैसे ही पार कर चुके हैं। समय का भी ध्यान रखना जरूरी है और ये शोध करने में भी बहुत महत्वपूर्ण है जैसा आपने बताया। तो आज का यह सत्र बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। दोनों व्याख्यान अति सुंदर थे और हमारे पूर्व वक्ता भी हमारे दूसरे व्याख्यान में जुड़े रहे, एक बार पुनः उनको आभार। कल पुनः हम सभी जुड़ेंगे सुबह 10 बजे। कल के व्याख्यान के विषय में मैं आप सभी को बता दूं, डॉक्टर संगीता घोष, विभागाध्यक्ष गायन विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़ेंगी हमारे साथ संगीत रत्नाकर के विषय में बात करने के लिए। और इसके पश्चात दूसरा व्याख्यान होगा प्रोफेसर रश्मि दीक्षित जी का, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्रोफेसर हैं सितार की, और उनका विषय है संगीत एवं काव्य का संबंध। तो कल के हमारे दोनों सत्र भी बहुत ही रोचक होने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि जिस तरह बड़ी संख्या में आज आप जुड़े रहे हैं निरंतर, उसी प्रकार कल भी जुड़े रहें। आज जुड़े रहने के लिए पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, सभी वक्ताओं का बहुत बहुत आभार, संगीत एवं मंच कला संकाय के सभी विभागों के समस्त शिक्षक भी हमारे साथ जुड़े रहे दोनों सत्रों में, उन सभी का बहुत बहुत आभार। वाद्य विभाग की ओर से एक बार पुनः, कल पुनः हम सभी जुड़ेंगे जूम ऐप पर अगले सत्र के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।